महाभाष्ये स्थानेऽन्तरतम। कुछ पूछना है तो पूछिए। ये कल जो चर्चा हो रही थी स्थानेऽन्तरतमे और स्थानेऽन्तरतमः, ये जो सूत्र पाठ है इसमें क्या वैशिष्ट है, क्या भेद पड़ता है, कहाँ लाभ हानि होते हैं जी। सूत्रार्थ और उदाहरण से सब स्पष्ट समझ में आ रहा है, पर दो शब्द मेरे को परेशान कर रहे हैं, प्रकृतितः और स्थान आदेशतः। आंतर्य जो हम देख रहे हैं वो आदेश का प्रकृति में आंतर्य देख रहे हैं या प्रकृति के आधार पर आदेश में आंतर्य देख रहे हैं। जो आदेश हैं उन आदेशों को लक्ष्य कर या उन आदेशों को आधार बना करके आंतर्य देख रहे हैं या प्रकृति को आधार बनाकर आंतर्य देख रहे हैं। जब प्रकृति से आंतर्य देखेंगे तो आदेश के जो प्रकृति में अंतरतम हैं, और जब प्रकृति से आदेश में देखेंगे तो प्रकृति के आदेश में जो अंतरतम है, ऐसे अर्थ बनेगा। प्रकृतितः ये पंचमी का निर्देश है, प्रकृति से। ये तस् प्रत्यय तो सभी व्यक्तियों के अर्थ में होता है। ठीक है, तो यदि हम प्रकृति पंचमी भी ले ना तो भी संगति लगेगी। एक वार्तिक है ल्यप लोपे कर्मणि उपसंख्यानम, ल्यप के लोप में कर्म में उपसंख्यान करना चाहिए। प्रकृति में आश्रित्य आंतर्य किम सा किम प्रकृति तो भवति, अंतरतम की निष्पत्ति पक्ष में अर्थ होगा स्थान में। वहाँ पर अर्थ ये निकलेगा स्थान में माने इन द प्लेस ऑफ, स्थान में प्राप्यमान जो आदेश हैं, प्राप्त हो रहे जो आदेश है, उन आदेशों में सदृशतम आदेश होता है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अभी भी वाक्य मेरे को स्पष्ट नहीं हो पा रहा है जी। अर्थ तो मेरे को समझ में आ रहा है कि आदेश के अंतरतम को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है और स्थानीय के अंतरतम को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है जी। आजकल जो हम अर्थ करते हैं ना सूत्र का प्रथमावृत्ति आदि में, जो हम समझते हैं वो दूसरा पक्ष है। स्थाने प्राप्यमाणा नाम अंतरतम आदेशो भवति, प्राप्यमाणा नाम स्थान में प्राप्त हो रहे अनेक जो आदेश हैं उन आदेशों में से अंतरतम आदेश होता है। प्राप्त हो रहे आदेशों में से अंतरतम आदेश, स्थान निर्धारण में षष्ठी है प्राप्यमाणा नाम जी। और यदि सप्तम्यंत पाठ करते हैं तो फिर ये लेंगे कि आदेश का जो अंतरतम स्थानीय है, आदेश का जो अंतरतम स्थानीय है उसके स्थान में आदेश होते हैं, आदेश के अंतरतम स्थानीय के स्थान में आदेश होते हैं। जैसे आदेश होता है गुण वृद्धि के प्रसंग में ए ओ आदेश होते हैं, तो उनका अंतरतम स्थानीय दीर्घ ई दीर्घ ऊ ही होगा। ह्रस्वी ह्रस्व उसका अंतरतम स्थानीय नहीं बन सकता। वो आपको स्पष्ट है जी। अंतरतम स्थानीय जब देखेंगे आदेश का, आदेश है ए ओ, उसका अंतरतम स्थानीय होगा दीर्घ ई दीर्घ ऊ। ऐसे ही कोण जी में आदेश है यवर अल, तो उसका अंतरतम स्थानीय जो होगा वो ह्रस्व ई ऊ आदि होगा, दीर्घ ई ऊ आदि नहीं होगा, क्योंकि उसके निकटतम। तो जैसे अर्धमात्रिक को एक मात्रिक हम स्थानीय कई सारे हैं, उनमें से स्थानीय में से चूज करते हैं या आदेशों में से चूज करते हैं। यानी कई सारे स्थानीय हैं, जैसे ह्रस्व भी हैं दीर्घ भी हैं। तो जब हम आदेश के अंतरतम स्थानीय देखेंगे तो उन बहुत सारों में से अंतरतम स्थानीय जो होगा वो ह्रस्व बनेगा, यह लवय का गुण का दीर्घ बनेगा। और री के प्रसंग में री को आदेश होता है अर, तो रेप सहित नहीं देख रहे, तो अ का अंतरतम स्थानीय ह्रस्व री बनेगा। वृद्धि में वृद्धि का अंतरतम स्थानीय दीर्घ री बनेगा, ह्रस्व नहीं बनेगा। ऐसे देख रहे, वो कई सारे हो गए ना, ह्रस्व भी और दीर्घ भी, तो उनमें से एक को चयन करेंगे। और ये जो कह रहे ना अंतरतम स्थानी में षष्ठी, यदि प्रकृतिता इकोणचि यणाम ये अंतरतमा इका तत्र षष्ठी, तो तत्र षष्ठी का मतलब उस इक के स्थान में आदेश होंगे। अंतरतम स्थानी जो होगा उसके स्थान में आदेश होंगे। षष्ठी का मतलब तो बस वही है, के स्थान में। अंतरतम स्थानी तो हमने चयन कर लिया, फिर उसके स्थान में आदेश होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। जी जी, अगले पृष्ठ में 417। जी, उदुपधाया गोहा। जी, यहाँ पर ये जो प्रश्न उपस्थित किया है, सूत्र में उपधा का तो ग्रहण किया ही है, तो प्रश्न कैसे बन रहा है इनका? ऐसे ही रदाभ्यम निष्ठा तो न पूर्वस्ते च, नहीं वो तो उत्तर फिर ये दे ही रहे, क्रियते न्यासे। वो देख रहे हैं कि इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा, वहाँ ये उपधा ग्रहण नहीं करना पड़ेगा, ये एक लाभ होगा। तो बोला ठीक है, वो तो कर ही रखा है आचार्य ने, क्या है इसमें, नहीं करना पड़ेगा, ये कोई ज्यादा लाभ की बात नहीं है, वो कर ही रखा है। यानी अति सामान्य प्रश्न जैसे हैं दोनों। हाँ, मतलब वो ऐसे देख रहे हैं कि इससे लाभ होगा। स्थाने अंतरतम सप्तम्यंत पाठ में हमें लाभ ये होगा कि उपधा ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। रदाभ्याम निष्ठा तो सूत्र में क्या नहीं करना पड़ेगा, तकार ग्रहण नहीं करना पड़ेगा, तो ये लाभ देख रहे हैं। उस दो पक्ष जब चल रहे हैं तो एक पक्ष को सामने रख करके लाभ देख रहे हैं कि देखो ये पक्ष कितना अच्छा है कि इसमें यहाँ पर हमको उपधा ग्रहण नहीं करना पड़ेगा, तय ग्रहण नहीं करना पड़ेगा, ऐसे देख रहे हैं। तो लाभ तो है जब उस पक्ष में ग्रहण नहीं करना पड़ेगा और उस पक्ष में ग्रहण करना पड़ रहा है, तो गौरव लाघव के आधार पर कि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कहना पड़ रहा है, उसमें कम कहना पड़ रहा है, कम कहने से हमारा काम चलता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से उत्तर ये दे दिया कि कोई बात नहीं, हम तो आदेश स्थानेन्तरतमा प्रथमांत पाठ ही रखेंगे और वो जो ग्रहण किया है उसको रख लेंगे, क्योंकि प्रथमांत पाठ में दोष कम है, तो ये ग्रहण करना पड़ेगा तो कोई बात नहीं। अतिरिक्त दोष तो नहीं है ना, एक दोष आया था उसका इस तरह समाधान कर दिया इन्होंने। आदेश से आंतर्य जब देखते हैं ना, आदेश की दृष्टि से, आदेश का आश्रय लेकर के आंतर्य देखते हैं, तो फिर एक दोष दिया था क्या, वांतोई प्रत्यय जो सूत्र है, क्या दिया था, वांतोई प्रत्यय सूत्र में स्थानीय निर्देश करना पड़ेगा, ओकार ओकारयो ऐसा कहना पड़ेगा, एकार एकारयो महाभूत, एकार और अकार को, ए आई को वांतादेश ना हो। और यदि प्रकृति से अंतरतम देखते हैं तो वांतादेशस्य एकसु या अंतरतम प्रकृति, ये देखेंगे कि ए आई ओ औ में अंतरतम प्रकृति क्या है। वांतादेश मानी अ और आव, अव और आव की अंतरतम प्रकृति क्या है चार में से, ए आई ओ औ में से, तो ओ औ मिलेंगे हमको, ओकार औकारयो ऐसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि आदेश से आंतरिक देख रहे हैं तो ए आई का ग्रहण करना पड़ रहा है। ठीक है जी। तो उसमें इन्होंने कह दिया कि आदेश से अंतरतम निवृत्ति में भी दोष नहीं आएगा, वांत ग्रहण नहीं करेंगे, ई प्रत्यय से काम चलाएंगे, और ई प्रत्यय से काम चलाएंगे तो क्या अर्थ होगा, एच के स्थान में अयादि होते हैं, एच के स्थान में अयादि होते हैं, तो क्या होगा फिर, दोष क्यों नहीं आएगा, वांत ग्रहण हटा देने से क्यों नहीं दोष आएगा, पता चला। ऐ ओ औ ऐ औ आय आव। यकारादि प्रत्यय में एज के स्थान में आय आव आय आव क्रम से होंगे, तो फिर यकारादि प्रत्यय परे रहते एज के स्थान में आय और आय, ये भी पाएंगे फिर तो ठीक है ना, समझ में आ ही रही है जी, जी। आय और आय पाएगा तो उसको कहा कि ये नियम कर देगा सूत्र छे जइयो शक्यार्थे, ये ए आई को नहीं होने देगा, फिर वो नियम उसको बांध लेगा। नियमार्थम वैसे छी और एवेचा एच को स्थान में हो तो छी और जी के ही एच को हो, फिर बोले तयोस्तरी शक्यार्थ अन्यत्र अर्ह अर्थ में होने लगेगा, उसी छी जी को अर्ह अर्थ में होने लगेगा। इसको क्या नियम मान रहे हो? छी ज्योर एवेच, इस नियम निर्देश को आप क्या नियम मान रहे हो? ये जो छठे अध्याय के पहले पाद में सूत्र है, ये आदेश नियम होगा गुरुजी। हाँ जी, आदेश नियम होगा, वांत आदेश आदेश नियम होगा, यत्र एवकार ततः अन्यत्र नियम, तो एवकार क्षिज्योरेव ये है जी, बिल्कुल यही भाष्य वहाँ पर भी है। वांतोई प्रत्यय पर जो हमने ये पढ़ा ना यहाँ पर, ठीक बिल्कुल वहीं पर भी है। वांतादेश स्थानीय निर्देश, ऐसे प्रकरण चलाया, वांतादेश में स्थानीय निर्देश करना चाहिए। ओकारो ओकारो इति वक्त में एकारो एकारो महाभूत, ठीक है। और फिर बोलते हैं सतरी वक्तव्य न वक्तव्य वांत ग्रहणम न करिष्यते, एचो ई प्रत्ययादो भवन्ति तेव सिद्धम, यदि वांत ग्रहणम न क्रियते चेयम जेयम इत्यत्र प्राप्नोति शक्यार्थ में चय जयो शक्यार्थे इति नियमार्थम भविष्यति छिज्यो रेवेच तयोस्तरी शक्यार्थाद अन्यत्र प्राप्नोति चेयम पापम जेयो वृषला अर्हे अर्थ में है, उभय तो नियम विज्ञास्यते छिज्यो रे वेचा तयोश्च शक्यार्थे यहाँ भी तरी निमान न प्राप्नोति लव्यम पव्यम, यहाँ पर भी ना पाएगा, अवश्य लव्यम लव ण्यत है, यहाँ लव्यम में लो यत है और इसमें लव लव ण्यत है। तुल्य जातीय सिनेमा कस्य तुल्य जातीय यथा जाति का छिज्यो रेच कथन जाति का छिज्यो रेच एकार एवं भी रायम इच्छति रयति क्यच प्रत्यय है त्रय प्राप्नोति राइस छांदस दृष्टानुविधि छंदसी भवति एतद् भाष्यवशात् भाषायां रई शब्दो असाधुरिति लक्ष्यते। राइस छांदस, तो इस भाष्य के प्रामाण्य से रई शब्द भाषा में जो कोई प्रयोग करे तो असाधु है ऐसा लक्षित हो रहा है, ऐसा नागेश कहता है। अथवा क्यच पराय और राइस छांदस इति व्याख्यास्यते, या एक समाधान और भी दिया, कैयट ने कहा क्यच परक ही राई छांदस, रई धातु राई मानिए एक निर्देश कर रखा है, क्यच परय और राई छांदसा इति व्याख्यायते। क्यच परक रई धातु है, राई छांदसा इति व्याख्यायते। गुरुजी यहाँ जो प्रकृति तह कह रहे हैं प्रकृति जी, ये जैसे प्रकृति प्रत्यय दो होते हैं, प्रकृति से प्रत्यय उत्पन्न होते हैं, ऐसा यहाँ ईक के को मात्र यदि मानते हैं ईको इणची में, और ईक को यदि प्रकृति मानते हैं तो केवल स्थानीय के अनर्थांतर प्रकृति लिए लेना चाहिए। और यदि प्रकृति एक इकारांत को यकारांत आदेश ऐसा कहते हैं तो फिर वो प्रकृति ही लिए जा सकते हैं, या कैसा होगा? प्रकृति तो हम प्रकृति प्रत्यय दो ऐसे मानते आए हैं। नहीं नहीं, प्रकृति स्थानीय के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, स्थानीय मात्र को प्रकृति यहाँ कहा जा रहा है जी। और पहले जो गुप्तिष्कित व्यसन, गुप्तिष्कित नहीं वो भी है, पर एक एक शब्द के दो दो तीन तीन अर्थ भी होते हैं जी। यहाँ स्थानीय के अनर्थांतर प्रकृति लिए जा रहे हैं जी। पर्याय अनर्थांतर माने पर्याय, स्थानीय के पर्याय के रूप में। किम पुनरिदम निर्वर्तकम, क्या ये सूत्र निर्वर्तक है? अंतरतमान निर्वर्त्यंत आवश्यक प्रतिपादकम अन्य निर्वृत्ता नाम अनेन प्रतिपत्ति क्रियते। किम स्वतंत्रमिदम लक्षण आवश्यक लक्षणांतरेण अभिनिवृत्ता नाम अनेन नियमा क्रियते। लक्षणांतर से निष्पन्नों को अनेन मानी बाद में इस सूत्र के द्वारा नियम कर रहे हैं। अथ लक्षणांतर शेषभूतम, यह लक्षणांतर का शेषभूत है। वाक्य भेदाभ्याम पक्षद्वय भेदा इति बोध्यम, अत्र तृतीया सिद्धांतो भविष्यति। नागेश ने किया कि ये दोनों ही नहीं, तीसरा ही बनेगा कोई एक सिद्धांत, तो तीसरा ही बनेगा। इन दोनों में से कोई सा भी बात नहीं चलेगी। निर्वर्तक का अर्थ है स्वतंत्र लक्षण, जैसे पीछे भी आया ना निर्वर्तक शब्द वृद्धि राधे चादी इको निर्वर्त्यन्ते इको गुण वृद्धि न, इसी में ऐसे ग्रह स्वादेश अंतरतमा ने निर्वर्त्यन्ते, अंतरतम इसके द्वारा निष्पन्न किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अवसित प्रतिपादकम अन्य निर्वृत्ता नाम, तीन शब्द हैं ये, एक निवृत्ति एक निर्वृत्ति एक होती है निवृत्ति। बिल्कुल हल्के मुख से बोलेंगे ना, एक तकार निर्वृत्ति निवृत्ति निवृत्ति है। काव्यम यस्य अर्थ कृते व्यवहार विदेश शिवेतर क्षते सद्या पर निर्वृतये, निर्वृतये ऐसा प्रयोग किया है मम्मट ने। कभी संस्कृत युग आएगा ना, फिर ऐसे ही अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे जाएंगे। जितने लिख दिए इससे और भी आगे विकास होगा। माने सारा देश यदि संस्कृत पढ़े ना, तब निकल निकल कर आएंगी प्रतिभाएं। अभी तो पूरा अच्छे अच्छे बुद्धि उधर चली जाती है टेक्नोलॉजी पढ़ने में। तो निर्वृत्ति का अर्थ होता है शांति परम तृप्ति, और निवृत्ति का अर्थ होता है हटाना, निर्वृत्ति निष्पन्न करना। बहुत अर्थ अंतर पड़ गया ना एक एक अक्षर के, उससे ही निर्वृत्ति निवृत्ति 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 निवृत्ति, ती एक तकार दो तकार नहीं है? निवृत्ति रेप माने एक तकार है और रे है नहीं निर का। कश्चात्र विशेष स्थानेऽन्तरतम निर्वर्तके स्थानी निवृत्ति ही, स्थानेऽन्तरतम निर्वर्तके दिए सूत्र निर्वर्तक है, सर्व स्थानी नाम निवृत्ति प्राप्त होती है, अस्या भी प्राप्त होती है दधि मधु। ये भाष्य आ चुका है ना कहीं, इको गुण वृद्धि पर आया। षष्ठ्या स्थाने योगत्वात् सर्वेषाम् एकाम निवृत्ति प्राप्नोति दधि मधु, ऐसा आया। किम षष्ठ स्थाने योगत्वा सर्वेषाम एकाम निवृत्ति प्राप्त होती दधि मधु है। इंग निवृत्ति, उसी तरह की बात है। स्थानेऽन्तरतम में निर्वर्त के वही नहीं है, उस तरह की बात है। अस्या भी प्राप्त होती दधि मधु, वहाँ भी उदाहरण तो दधि मधु ही दिया है। षष्ठ्या स्थाने योगतात् वहाँ षष्ठ्या स्थाने योगत्वात् ऐसा किया, माने स्वतंत्र गुण वृद्धि का यदि विधायक है सूत्र इको गुण वृद्धि, तो इकों की निवृत्ति पाएगी यदि वो विधायक है सूत्र। इको गुण वृद्धि यदि विधायक है तो सभी हट जाएंगे और उनकी जगह गुण वृद्धि आकर के बैठ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं स्थानेऽन्तरतम निर्वर्त के यदि अंतरतम स्थान में अंतरतम आदेश होते हैं, ऐसा यदि सूत्र को निर्वर्तक कहते हैं तो सभी स्थानीय हट जाएंगे और उनकी जगह अंतरतम आदेश आकर बैठने लगेंगे। अस्या भी प्राप्नोति दधि मधु। दधि शब्द का क्या आदेश पाएगा? दधि पाएगा है? प्रदीप ने विचार किया कि दधि शब्द को क्या आदेश होगा, बोले दधि होगा, तो बोले क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ दधि को दधि करने में? और यदि भिन्न रूप आदेश करोगे तो उस अर्थ का प्रत्यायक नहीं होगा, शब्द व्यवहार ही नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों वैतस पासा रज्जु बन रही है। यदि हम दधि शब्द को दधि आदेश करते हैं तो क्या लाभ हुआ, और दधि शब्द को कुछ और आदेश करते हैं तो वो उस अर्थ का बोध नहीं कराएगा। सूत्र जो है इसको बोलते हैं सूत्रम अनारंभ समम स्यात्, अनारंभ के बराबर हो जाएगा ये। तो अस्तु न कश्चिद अन्य आदेश प्रतिनिर्दिश्यते तत्रांतरे तो दधि शब्द दधि शब्द एवं मधु शब्द से मधु शब्द एवं आदेशो भविष्यति। वचन सामर्थ्य से शब्द व्यवहार तो वचन सामर्थ्यात् शब्द व्यवहार से अनादित्वात्, शब्द व्यवहार तो अनादि है ना। शास्त्र प्रवृत्ति में हेतु क्या है? वचन सामर्थ्य। और सदृश आदेश में हेतु क्या है? शब्द व्यवहार से अनादित्वम। यदि चैवम क्वचित वैरूप्यम तत्र दोषः स्यात्, कहीं विरूपता होगी ना वहाँ दोष हो जाएगा। जैसे विषम विषम है, मुस्लिम मुस्लिम है, विषम के स्थान में विषम ले आए, विषम के जगह दूसरा एक विषम लाकर बिठा दिया। विषम जानते हैं ना, कमल नाल को कहते हैं। विषम की जगह विषम लाकर के बिठा दिया, मुस्लिम की जगह मुस्लिम लाकर के बिठा दिया। इनको सूत्र से सत्व पाने लगेगा। स्थानेऽन्तरतम में निर्वर्त के स्थानीय निवृत्ति, सर्वस्थानीय निवृत्ति हैं। इस पर 6 नंबर टिप्पणी में खोला, इस वार्तिक के अर्थ को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ स्थानेऽन्तरतम इति सूत्रम यदि आदेशस्य निर्वर्तकम सर्वेषां शब्दानां स्थाने अंतरतम आदेशो अनेन अपूर्वो विधीयते, सभी शब्दों के स्थान में अंतरतम आदेश अनेन अपूर्वो विधीयते। इति अर्थाश्रयणे ऐसा अर्थ का यदि आश्रय लेते हो शब्द मात्र से निवृत्ति प्राप्नोति, शब्द मात्र की निवृत्ति पाएगी। शब्द मात्र से निवृत्ति ही प्राप्नोति, ऐसा वार्तिक का अर्थ है। हर एक शब्द की निवृत्ति पाएगी। तो कहीं विरूपता आएगी वहां अंतर पड़ेगा। क्वचित वैरूप्यम तत्र दोषः स्यात्, विषम है ना, तो विष शब्द को विष आदेश करोगे, पर इसमें आदेश सकार तो वहां पर ये किया है ना, जो सीधा सकार मात्र आदेश हो तब होता है। इस पर विचार भी किया इन्होंने। यदि विष शब्द आदेश तथा सत्वम नास्ति तब तो नहीं होगा, नहीं तथा सकार आदेश थोड़ी बना। उस सूत्र का अर्थ ये होता है जहाँ आदेश सकार आदेश ही सीधा डायरेक्ट केवल स होता है तब उसको मूर्धन्य होता है। तो जब विष को विष करेंगे तो आदेश सकार थोड़ी हुआ, विष शब्द के स्थान में लाकर दूसरा विष रख दिया, तो इसमें आदेश सकार नहीं बनेगा, स को स होगा तब बनेगा। तो वही प्रदीप ने कहा यदा तो सकार सकार आदेश तदा सत्व प्रसंग वैरूप प्राप्ति अस्तेर भू इत्यादेश तो विशेष वितत्वाद से बाद का अस्तेर भू इत्यादि विशेष विहित हैं, तो इसके बाधक हो जाएंगे। ये जो सूत्र होगा ना, स्थानेऽन्तरतम हरेक की जगह दूसरे शब्द को बैठाएगा। बिठाएगा तो अस को अस क्यों नहीं बिठाएगा, अस को क्यों नहीं बिठाएगा वहाँ? बोले विशेष विहित हैं इसलिए अस को भू बिठाएगा। अस्तेर भू, अस के स्थान में भू को बिठाएगा, वो अस के स्थान में अस को नहीं बिठाएगा। जी, यहाँ पर प्रदीप ने जो कहा है कि अगर केवल सकार ही हो तो मूर्धन्यादेश होगा, यहाँ केवल सकार नहीं है, बीस के स्थान में बीस है। तो उस स्थिति में भाष्यकार ने ये जो बात कही है किसको ध्यान में रख करके ऐसा कहा? फिर दोष तो उसी अवस्था में बनेगा, भाष्यकार का संगति लगानी पड़ेगी कि भाष्यकार ऐसे कहना चाहते हैं। एक एक अक्षर को हर एक आदेश हो रहा है, ब को ब हो रहा है, ई को ई हो रहा है, स को स हो रहा है, ई को ई, अवयव मात्र को लेकर के फिर हाँ एक अवयव को, पूरे अवयवी को अवयवी लाकर बिठा रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। एक एक अवयव को हर एक अवयव को हर एक 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 आदेश होता जा रहा है। कौन सा? हाँ, सार धातुक में तो अस को अस हो जाएगा, आर धातुक में अस को भू हो जाएगा, विशेष विधान हो गया। अपि से इष्टा व्यवस्था, एक तो ये बात हुई, कहीं विरूपता है वहां दोष आएगा। दूसरी बात, इष्टा व्यवस्था न प्रकल्पित, इष्ट व्यवस्था नहीं बनेगी। तद यथा तपते भ्राष्ट्रे तिला प्रक्षिप्ता, जैसे तपे बिल्कुल भाड़ होता है ना, उसमें बिल्कुल गर्म हो रहा हो, तिल डाल दें तिल, तो क्या स्थिति बनती है उनकी? उड़ जाते हैं। मुहूर्तमपि नावतिष्ठन्ते तप्ते भ्राष्ट्रे तिला प्रक्षिप्ता, मुहूर्तमपि नावतिष्ठन्ते एवं इमे वर्णा मुहूर्तमपि नावतिष्ठेरन्। मुहूर्त का अर्थ होता है क्षणमपि, मुहूर्त का अर्थ 48 मिनट भी होता है और मुहूर्त का अर्थ एक क्षण भी होता है। दो घड़ी का एक मुहूर्त होता है, दो घड़ी का एक मुहूर्त। चार मुहूर्त का एक प्रहर है ना, चार मुहूर्त को एक प्रहर, और दिन रात में 30 मुहूर्त होते हैं। 6 मुहूर्त जो है ना वो बढ़ जाते हैं, इसलिए एक उदाहरण है ना, षण मुहूर्ताश्चराचरा। मुहूर्त में तो 48 मिनट होते हैं, 48 मिनट और 30 मुहूर्त में रात दिन होता है। जी जी। और इसीलिए एक सूत्र पर व्याकरण में उदाहरण आता है, षण मुहूर्ता चराचरा। 6 मुहूर्त जो है ना वो चलायमान है, कभी दिन में चले जाते हैं कभी रात में चले जाते हैं। जी जी। ऐसा सूत्र दूसरे अध्याय के पहले पाद में, कौन सा सूत्र? काला, काला सूत्र का उदाहरण है ना। गुरुजी, वहाँ जो मुहूर्त है और यहाँ मुहूर्त में थोड़ा अंतर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भ्राष्ट्र में तिल फेंके जा रहे हैं, तो 48 मिनट तक नहीं रहेगा तो फिर 25 मिनट रह जाएगा, तो भी बात नहीं। यहाँ तो मैंने एक क्षण बताया अर्थ। जी, यहाँ के मुहूर्तकार तो मैंने एक क्षण बताया ना, क्षण बताया। कुछ काल, अल्प, थोड़ा सा काल, जितना भी, जितना एक क्षण मतलब हाँ, जितनी देर वो 4-5 सेकंड। हाँ हाँ, ऐसा कुछ थोड़ा सा। मुहूर्तकार क्षण प्रसिद्ध है, महाभाष्य में और भी जगह आया है। मुहूर्त को क्षण के लिए प्रयोग करते हैं, और कई कई शब्द व्यर्थक होते हैं ना, जैसे पलाश शब्द है, पलाश का अर्थ पत्र भी होता है, पलाश का अर्थ एक ढाक का पेड़ भी होता है। ये जो तालव्य श है उससे तो ढाक का पत्ता बनता है, दोनों से पलाश। अच्छा, दोनों से ढाक का पत्ता बनता है? नहीं, केवल पत्र अर्थ होता है किसी भी पेड़ का पत्ता, और ढाक वृक्ष। अच्छा, पत्ता या वृक्ष हैं दोनों ढाक ही? नहीं, कोई भी पत्ता, कोई भी पत्ते को पलाश कह देते हैं। कोई भी पत्ते को मूर्धन्य श तालव्य श से किसी भी पत्ते को कह सकते हैं पलाश जी। और जो मूर्धन्य श है, मूर्धन्य से वाला कोई शब्द नहीं, कोई शब्द नहीं है। वो जो बताया है त्रुटि बताने के लिए स्पष्ट किया है कि तालव्य श को मूर्धन्य न बोला जाए। जी जी जी। और पलाश उसको भी कहते हैं, ढाक वृक्ष को, ढाक वृक्ष को भी पलाश कहते हैं। अर्थात किसी भी पत्ते को पलाश कह सकते हैं और ढाक के वृक्ष को भी पलाश कहते हैं। जी जी। तो ये इन्होंने कहा कि इष्ट व्यवस्था नहीं बनेगी, ये तो बस एकदम से ना इसके स्थान में ये, फिर इसके स्थान में ये, इसके स्थान में ये, इसके स्थान में ये, बस चलता ही रहेगा। एक के स्थान में दूसरा, दूसरे के स्थान में तीसरा। यथा तप्ते भ्राष्ट्रातिला प्रक्षिप्ता मूर्तम नावतिष्ठन्ते इमे वर्णा, ये सारे के सारे वर्ण, इमे वर्णा कहा है ना, अवयव के स्थान में अवयव देख रहे हैं। इमे वर्णा, ये महाभाष्य में इमे वर्णा जो कहा, ये इसको लेकर के मेरे ख्याल में कैयट कह रहा है कि जब एक एक वर्ण को एक एक आदेश होंगे तो समझे आपका वाली बात, इमे वर्णा से समाधान हो रहा है ना। एक एक वर्ण को जब आदेश करेंगे तो ये भाष्य संगत हो जाएगा। एवं इमे वर्णा मुहूर्तम अपि नावतिष्ठेरन्, ये वर्ण एक मुहूर्त भर भी नहीं ठहर पाएंगे, बस एक के स्थान में चक्कर ही काटते रहेंगे। तो ये निर्वृत्ति पक्ष को छोड़ दिया, दोष युक्त बता दिया। अस्तु तरी प्रतिपादकम, दूसरा पक्ष ले लिया। अच्छा तो प्रतिपादक ले लेते हैं। अन्य निर्वृत्तानाम अनेन प्रतिपत्ति क्रियते निर्वृत्तेषु लक्षणांतरेण आदेशेषु नियमो अनेन क्रियते अंतरतम साधुर्नान्या अन्य निर्वृत्तानाम मध्ये अनेन अंतरतमस्यैव साधुत्व प्रतिपत्ति, ये भाष्य का अर्थ बनेगा। जो पंक्ति है ना, अन्य निर्वृत्तानाम अनेन प्रतिपत्ति, उद्योग देखिए इसका अर्थ किया है, अन्य निवृत्तानाम मध्ये, अन्य से निष्पन्न हूँ के मध्य में, अनेन अंतरतमस्यैव साधुत्व प्रतिपत्ति, इसके द्वारा, इस सूत्र के द्वारा अंतरतम के साधुत्व की प्रतिपत्ति होगी। निवृत्त प्रतिपत्तो निर्वृत्ति ही, निर्वृत्त प्रतिपत्ति में निर्वृत्ति नहीं सिद्ध होगी। निर्वृत्त अन्य के द्वारा निर्वृत्त हूं के मध्य में, इस सूत्र के द्वारा अनेन अंतरतमस्य साधुत्व प्रतिपत्ति, अंतरतम के साधुत्व की प्रतिपत्ति। यदि अर्थ लेते हैं तो कह रहे हैं कि निर्वृत्त प्रतिपत्तो निर्वृत्तिर्न सिद्ध्यति सर्वे सर्वत्र प्राप्नुवन्ति, निर्वृत्तिर्न सिद्ध्यति, अभिमत की निर्वृत्ति नहीं, अभिमत शब्द की निवृत्ति नहीं बनेगी। शास्त्र प्रामाण्य से दोनों के ही पाक्षिक साधुत्व की आपत्ति होने लगेगी। निर्वृत्त प्रतिपत्तो निवृत्ति, इसका अर्थ ये हुआ यदि निर्वृत्त अन्य शास्त्र के द्वारा अन्य शास्त्री निर्वृत्तस्य आदेशस्य अनेन प्रतिपत्ति इति आश्रयणे दैत्यारि इत्यादो अकाशवाणी दीर्घ इत्यनेन सर्वं दीर्घ प्राप्नोति। ये 6 नंबर टिप्पणी देखिए एक बार। चार 419 पृष्ठ पर 6 नंबर, नीचे ही नीचे। अन्य शास्त्रों के द्वारा, गलत छप रहा है, अन्य शास्त्रीर, ये रह यहाँ छप रहा है ना, त्रयी के ऊपर छप रहा है, त्रय नहीं, वह के ऊपर तो है ही, नी के ऊपर रह होना चाहिए, जो रह त्रयी के ऊपर है ना, त्रयी के ऊपर है, नहीं है शास्त्रई, तो नी के ऊपर रह होना चाहिए ना, शास्त्रईर। निवृत्तस्य आदेशस्य अनेन प्रतिपत्ति इति आश्रयणे निर्वृत्तस्य आदेशस्य विहितस्य आदेशस्य शास्त्रे निर्वृत्त निर्वृत्त माने विहित विहित विहितस्य आदेशस्य अन्य शास्त्रों के द्वारा जो विहित आदेश है उसकी अनेन प्रतिपत्ति क्रियते अनेन ज्ञानम प्रतिपत्ति ज्ञानम। तो दैत्यारी इत्यादि में दैत्य जमा अरी आकाशवर्ण दीर्घ इतने सर्वे दीर्घ प्राप्नुवन्ति। दैत्यारी में सारे दीर्घ आकर के बैठने लगेंगे। ततश्च इष्टस् निवृत्तिर्न सिद्ध्यति निर्वृत्तिर्न सिद्ध्यति। अनिष्टानामपि आदेशानाम ई उ इत्यादिनाम तत्र प्राप्ति स्यात् पर्याय से होने लगेंगे। जब अन्य शास्त्रीय निर्वृत्त से अन्य शास्त्रों के द्वारा निष्पन्न, जैसे आकाश सवर्ण दीर्घ सूत्र है उसने कह दिया कि सवर्णच के परे दीर्घ आदेश होता है, सवर्णच है परे, दैत्य जमारी सवर्णच परे दीर्घ होते हैं। तो निर्वृत्त हुए हुए जो दूसरे शास्त्र से निवृत्त अनेन प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति माने ये अनुमोदन कर देता है कि हाँ ठीक है होने दो। इसकी प्रक्रिया क्या बनेगी दूसरे पक्ष में, अन्य निर्वृत्ता नाम अन्य शास्त्र के द्वारा निर्वृत्त जो हैं उनके मध्य में ये दिया ना उद्योग। देखिए अन्य निवृत्ता नाम अन्य प्रतिपत्ति का अर्थ क्या भाष्यार्थ है इति भाव, अन्य निवृत्ता नाम मध्य अन्य के द्वारा अन्य शास्त्र के द्वारा जो निष्पन्न हैं उनके मध्य में अनेन अंतरतमस्यैव साधुत्व प्रतिपत्ति, इसके द्वारा साधुत्व की प्रतिपत्ति होगी। जी अकसवर्ण दीर्घाने दीर्घ आदेश कह दिए, अब ये सूत्र लगेगा और ये अंतरतम जो साधु उसका बोध कराएगा। तो जो दीर्घ उनमें अंतरतम साधु मान लीजिए यही उदाहरण है दैत्यारी ही, तो यहाँ पर आदेश सवर्ण पाए दीर्घ उनमें अंतरतम साधु रहेगा आ, उसका ये बोध करा देगा। निर्वृत्ति अभिमत शब्दस्य निवृत्ति, अभिमत शब्द की निर्वृत्ति नहीं बनेगी। सर्वे सर्वत्र प्राप्नुवन्ति मानी शास्त्र प्रामाण्य से दोनों का ही पाक्षिक साधुत्व बनने लगेगा। ई ऊ इत्यादि हैं जो भी दीर्घ जैसे, ये तो कह रहे कि मध्य अनेना अंतरतमस्य एव साधुत्व अनेन निर्वृत्तानां मध्ये अनेन अंतरतमस्य एव साधुत्व प्रतिपत्ति इति भाष्यार्था। ये तो ऊपर वाला हो गया, चलो ठीक है। तत्र अंतरतम साधुर्नान्य अंतरतम, ये तो ठीक है आपकी जो बात है ना कि उस भाष्य से तो समस्या नहीं बन रही। अस्तुतरी प्रतिपादकम अनेन निवृत्तानाम अनेन प्रतिपत्ति क्रियते, अंतरतम की जब प्रतिपत्ति करेंगे तब तो दोष नहीं बन रहा जैसा ऊपर कहा। लेकिन अगला जो वार्तिक है ना निर्वृत्त प्रतिपत्तो निवृत्ति, ये जो बोलने वाला व्यक्ति है वो तो वो बात तो थी उसकी उद्योग की कि ऐसे कर लेंगे प्रतिपादक हो जाएगा। उसने सार निकाला था इसका, उद्योग ने निकाला है ना उस पंक्ति का सार। अब ये जो दूसरा व्यक्ति आया ना उसका प्रतिद्वंदी आकर के जिज्ञासु कहता है कि निर्वृत्त प्रतिपत्ति वो इसकी बात नहीं बोल रहा है, उद्योग ने जो निष्कर्ष दिया था वो बात नहीं बोल रहा है, अपनी कुछ अलग बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि निर्वृत्त प्रतिपत्तो निर्वृत्तिर्न सिद्ध्यति। यदि ये सूत्र निर्वृत्त की प्रतिपत्ति करता है तो निवृत्ति अभीष्ट निवृत्ति अभिमत निवृत्ति नहीं सिद्ध होगी। शास्त्र प्रामाण्य से दोनों का ही साधुत्व पाने लगेगा। सूत्र का ये अर्थ क्या कर रहा है ये व्यक्ति, ये तो ऐसे ही कर रहा है। अन्य से जो निष्पन्न है ना वो इसके द्वारा स्थानेऽन्तरतम स्थानेऽन्तरतम अंतरतम शब्द से तो ऐसा ही लगता है कि अंतरतम का साधुत्व बताना चाहिए पर ये बता नहीं रहा है। ऐसे अकार सवर्ण दीर्घ सर्वे दीर्घ प्राप्नुवन्ति। अन्य शास्त्रैः निवृत्तस्य आदेशस्य अनेन प्रतिपत्ति क्रियते। प्रतिपत्ति माने अनेन ज्ञानं क्रियते। दैत्य दैत्यादि इत्यादयोः का श्रवण दीर्घ इत्यनेन सर्वे दीर्घा प्राप्नुवन्ति। ततश्च इष्टस्य निवृत्तिर्न सिद्ध्यति। इष्ट विषय की निष्पत्ति नहीं बनेगी। अनिष्टानामपि आदेशानाम, अनिष्ट जो आदेश हैं ईव इत्यादि नाम तत्र प्राप्ति स्यात् इति तदर्थः। अगला युद्धोत एक बार पढ़ना। अभिमत शब्द की निवृत्ति नहीं बनेगी। शास्त्र प्रामाण्य से उभयोर पाक्षिक साधुत्व आपत्तिया, दोनों का ही पाक्षिक साधुत्व आपत्ति होने लगेगी। पाक्षिक माने एक पक्ष में इसका साधुत्व, एक पक्ष में ई का साधुत्व, एक पक्ष में ऊ का साधुत्व। दैत्यारी उदाहरण में एक बार दैत्यारी आ का साधुत्व, एक बार ई का साधुत्व, एक बार ऊ का साधुत्व, ऐसे बता रहा है वो। तो गुरुजी इसमें ऐसा जैसे अकसवर्ण दीर्घ ने दीर्घ कहा अ के स्थान में, तो आ होता है, दीर्घ ई होता है, ऊ होता है, तो स्थानांतरतम तो यही कहेगा कि आ भी साधु है और पक्ष में ई भी साधु है, ऊ भी साधु है। अंतरतम शब्द को कैसे बिठाएंगे? फिर वो बिठाएगा नहीं, इसलिए वो बैठेगा नहीं जगह पर, तो निर्वृत्ति नहीं होगी, सिर्फ साधुत्व प्रतिपत्ति हो जाएगी आदि की। लेकिन फिर वो कौन सा करें, क्योंकि अकसवर्ण दीर्घ ने तो दीर्घ कहा है कि, लेकिन 4-5 जो दीर्घ हैं वो सभी नहीं कर सकते, और स्थानांतरतम है ये सिर्फ साधुत्व बोध कराएगा, लेकिन वो फिर बैठेगा नहीं, आदेश हो नहीं पाएगा, ये दोष आएगा। ऐसे बोल रहा है, ऐसे देख रहा है। निर्वृत्त प्रतिपत्तो निर्वृत्ति, निर्वृत्त प्रतिपत्ति में निवृत्ति नहीं सिद्ध होगी। सर्वे सर्वत्र प्राप्नुवन्ति, सभी सब जगह पाने लगेंगे, सबके सब सबके स्थान में पाने लगेंगे। कल्पना में जाकर के सोचते हैं कि ऐसा होने लगेगा, ऐसा होने लगेगा। फिर तो दोनों सूत्र एक जैसे हो रहे जी। वही तो, यानी उसने अकसवर्ण दीर्घ ने कहा कि दीर्घ होता है, और इसने कहा स्थानेऽन्तरतम, स्थान के साथ में अंतरतम होता है, ये भी प्रतिपादन कर दिया। उसी तरह केवल इतना प्रतिपादित कर रहा है कि अवर्ण के स्थान में दीर्घ अवर्ण होता है, इवर्ण के स्थान में दीर्घ होता है, इस तरह केवल प्रतिपादन कर रहा है। दीर्घ ही भी नहीं बता रहा, ये तो सारे ही बता रहा है। दीर्घ हो जाएंगे और वे पर्याय से हो जाएंगे, शास्त्र प्रामाण्य से पर्याय से होने लगेंगे। विचित्र, कभी कभी बड़ी कल्पना बड़ी विचित्र होती है कि ऐसे होने लगेगा, ऐसा होने लगेगा, तो उसका कोई आधार तो देना चाहिए ना। कोई आधार तो सामने दिख नहीं रहा है, बस केवल कथन करे सभी हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे ये नहीं बताया। प्रतिज्ञा मात्र कर देते हैं, हेतु नहीं देते हैं। दीर्घ शब्द बोला और जितने भी दीर्घ थे सारे के सारे उपस्थित हो गए, ये है ना इनका आशय, आक्षेप। आक्षेप तो यही है जी। निर्वृत्त प्रतिपत्तो निर्वृत्तिर्न सिद्ध्यति, सर्वे सर्वत्र प्राप्नोति, किंतरी उच्यते निर्वृत्तिर्न सिद्ध्यति। तो ये क्या समझ आता, सर्वे सर्वत्र प्राप्नोति ऐसे कहा ना उसने, सभी सब जगह पाते हैं। बोले ये क्या कह रहे हो फिर, एक निवृत्ति न सिद्ध्यति। एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि सर्वे सर्वत्र प्राप्नुवन्ति, और दूसरी तरफ कह रहे हो निवृत्ति न सिद्ध्यति। ये कैसा आप अपने स्ववचो व्याघात कैसे कर रहे हो, अपने ही कथन को व्याघात कैसे कर रहे हो। एक तरफ बोला निवृत्ति न सिद्ध्यति और फिर बोला सर्वे सर्वत्र प्राप्नुवन्ति, ये क्या मतलब। इस पंक्ति में देखिए, निर्वृत्त प्रतिपत्तो निर्वृत्तिर्न सिद्ध्यति, सर्वे सर्वत्र प्राप्नुवन्ति, निर्वृत्तिर्न सिद्ध्यति, ये बिल्कुल विरोधी बात बोल रहे हैं ना। तो ये क्या कह रहे हो, किंतरी उच्यते निर्वृत्तिर्न सिद्ध्यति। तो वो कहता है न साधियो निवृत्ति सिद्धा भवति। क्या आप ये बोलना चाह रहे हो कि ठीक से निवृत्ति न साधियो निवृत्तिर सिद्धा भवति। ये काकू में पढ़ेंगे इसको, न साधी निवृत्ति सिद्धा भवति। क्या अच्छे से, क्या क्या बढ़िया से निवृत्ति सिद्ध नहीं हो रही? हो रही है। वो समादाता ने, समादाता है उसके हैं दोनों वाक्य। किंतरी उच्चते निवृत्तिर न सिद्धति न साधियो निवृत्ति सिद्धा भवती। क्या साधीय निवृत्ति नहीं हो रही, अच्छे से हो रही है? तो जिज्ञासु कहता है न ब्रूमा निवृत्तिर न सिद्धति। जो आक्षेपता था ना, वो कहता है न ब्रूमा निवृत्तिर न सिद्धति। निवृत्तिर न सिद्धति का अर्थ हमारा इतना नहीं है कि निवृत्ति न सिद्धति। निवृत्ति न सिद्धति जो मैंने बोला, इसका मतलब इतना नहीं है कि निवृत्तिर न सिद्धति। किंतरी तो क्या मतलब आपका? तो बोलता है इष्टा व्यवस्था न प्रकल्पित न सर्वे सर्वत्रिष्यन्ते। इष्ट व्यवस्था नहीं बनेगी, सभी सब सर्वत्र सर्वे नैष्यन्ते, सर्वे दीर्घा सर्वत्र नैष्यन्ते, इष्ट व्यवस्था नहीं बनेगी। आकाशवर्णे दीर्घ इतने लक्षणेन यदा सर्वे दीर्घा कृता तदा तेषाम साधुत्वम विज्ञातम। जब सारे दीर्घ हो गए तो इसने उनका साधुत्व कह दिया। न जानेन तेषाम एव साधुत्वम सक्यम प्रतिपादुत्वम। अब सबका साधुत्व कह दिया तो इस सूत्र के द्वारा उन्हीं का फिर असाधुत्व भी किया जाए, ये नहीं बनेगा। एक ही प्रमाण से बोधित किसी चीज का साधुत्व बता दिया और वही प्रमाण फिर असाधुत्व बना दे, ये ठीक नहीं। एक वाक्य साधुत्व बना रहा है और वही वाक्य फिर असाधु भी बना दे, ये ठीक नहीं। दीर्घ आदि की इष्ट व्यवस्था नहीं बनेगी। अकाशवर्ण देगा, इस पर उद्योग देखिए। एक प्रमाण बोधित सामान्य विशेष भावा भावे न प्रमाणांतरेण आत्यंतिको निराशा शक्य कर्तुम। सामान्य विशेष भाव के अभाव होने पर, सामान्य विशेष भाव जब नहीं हो रहा तो न प्रमाणांतरेण आत्यंतिको निराशा शक्य कर्तुम इदम इदानीम किमर्थम स्यात्। अच्छा, हमको ये बतलाओ फिर ये शास्त्र, ये सूत्र क्या करेगा? इस पक्ष में इस सूत्र का क्या रहेगा? अनर्थकम च अनर्थकम एतत् स्यात्, यही तो हम कह रहे हैं। हाँ, इस पक्ष में ये क्या करेगा? शास्त्र प्रामाण्यात् उभयोरपि साधुत्व इदम व्यर्थम। फिर तो फिर इसके बिना भी काम चलेगा। तो कह रहा हूं मैं, और क्या कह रहा हूं? यही तो कह रहा हूं, अनर्थकम एतत् स्यात्, ये अनर्थक हो जाएगा। यो ही भुक्तवंतम ब्रूयात्, जो खाए हुए व्यक्ति को बोले महाभुंगथा मत खाओ। नहीं खाया हुआ है, खाया हुआ है, उसको कहेंगे महाभुंगथा किं तेन कृतम स्यात्। पंडित ताराचंद जी एक वैदिक तोप होते थे वहां उधर नारनौल में। तो वो थोड़ा हकला करके बोलते थे। तो एक बस में जा रहे थे तो पास में बैठा हुआ बीड़ी अरे फुक्का गो फूक दो जदी कहिए। बोले फूक देगा जब क्या कहूंगा। जब फूक ही देगा तब मैं क्या कहूंगा। तो यो ही भुक्तवंतम ब्रूयात् मा भुंक्था। जो खाए हुए व्यक्ति को कहेगी मत खा किं तेन कृतम स्यात्। उससे क्या बनेगा? उक्तम वा किमुक्तम, वो पीछे जो 199 पृष्ठ पर बात कही है ना, इको गुण वृद्धि सूत्र पर, उसी बात को दोहरा रहे हैं। और 400 पृष्ठ पर भी कही है, 400 पृष्ठ पर भी कही है ना। उक्तम वा सिद्धम तु षष्ठ अधिकारे वचनात्, वहां पर भी ऐसी समस्या उठाई थी। सिद्धम तु षष्ठ अधिकारे वचनात् ऐसा था ना, सिद्धम तु षष्ठ अधिकारे वचनात् 199 पर षष्ठ्याधिकारे अयं योगः कर्तव्यः स्थानेऽन्तरतम षष्ठी निर्दिष्टस्य। ये सूत्र स्थानेऽन्तरतम षष्ठी निर्दिष्ट को अंतरतम आदेश करता है। यत्र षष्ठी तत्र इदम् उपतिष्ठते तेन एक वाक्यता अनेन सूत्रेण विधि वाक्यानाम इति विधान काले अंतरतम आदेशो विधीयते। विधान काल में ही अंतरतम आदेश कर रहे हैं। देखिए यत्र षष्ठी तत्रिदम उपतिष्ठते। प्रदीप देखिए तेन एक वाक्यता अनेन सूत्रेण, एक वाक्यता इस सूत्र के अनेन सूत्रेण विधि वाक्या नाम, विधि वाक्यों की एक वाक्यता हो जाएगी इस स्थानेऽन्तरतम के साथ। कौन सा सूत्र है? सार्धातु का अर्धातु का है ना, स्थानेऽन्तरतम एक एण चाहिए। स्थानेऽन्तरतम विधान काले एवं अंतरतम आदेशो विधीयते। एवं च इतरस्य अविधानम एव इति इष्ट व्यवस्था सिद्धि। दूसरा जो है उसका विधान ही नहीं होता है। यहाँ पर पहुँच गए ये, अब पीछे से फिर देख सकते हो आप। ये 167 पेज निवर्तकम शास्त्रम कथम मृजिर अस्मयी अविशेषण उपदिष्टा। मृज धातु सामान्य करके कही है। तत्सर्वत्र मृजी वृद्धि प्रसक्ता तत्र अनेन निवृत्ति क्रियते। मृजेर अकिंचु प्रत्ययसु मृजे प्रसंगे मार्जी साधुर्भवति। तत्र अनेन, अनेन माने मृजेर वृद्धि। तत्र अनेन इसके द्वारा, किसके द्वारा? मृजेर वृद्धि सिद्धम तो नित्य शब्दत्वात् ऐसे बोले ना। यदि तरी नित्या शब्द किमर्थम शास्त्रम, शब्द नित्य है तो ये शास्त्र क्या करेगा? किमर्थम शास्त्रमी चेत निवर्तकत्वात् सिद्धम, ये उत्तर दे दिया ना। शास्त्र निवर्तक है। मृजिर अस्मयी, अस्मयी मानी साधु शब्द का जानने का इच्छुक जो विद्यार्थी है उसको सामान्य रूप से उपदेश की गई है। तस्य सर्वत्र मृजी बुद्धि प्रसक्ता, उस विद्यार्थी की सब जगह मृजी बुद्धि प्रसक्त हो गई। मृजी बुद्धि प्रसक्तायाम अनेन निवृत्ति क्रियते। अनेन माने मृजेर वृद्धि सूत्र के द्वारा। सर्वत्र मृजी बुद्धि प्रसक्ता तद्बुद्धो प्रसक्तायाम, उसकी मृज बुद्धि प्रसक्त होने पर अनेन माने मृजेर वृद्धि सूत्र के द्वारा, अनेन के ऊपर लिख सकते हो मृजेर वृद्धि सूत्र के द्वारा निवृत्ति कर रहे हैं। मृजेर अकिंगत्सु प्रत्ययसु, अकिंगत प्रत्ययों में मृज के प्रसंग में मार्जी साधु होता है। मृज साधु नहीं मार्जी साधु होता है। तो इसने क्या किया? निवृत्ति कर दी। निवर्तकम शास्त्रम, शास्त्र जो होता है वो निवर्तक होता है। धर्मशास्त्र भी ऐसे ही करता है ना। सामान्य रूप से सबको राग वसात सारी सारी प्रवृत्तियाँ होने लगती हैं तो शास्त्र क्या करता है? निवृत्ति कर देता है कि नहीं ये जो है निवृत्ति क्या करेगा? उसको निवृत्ति कर देता है, उसको जो उसकी प्रवृत्ति सामान्य रूप से जो वो प्रवृत्ति उसकी पा रही है ना उसको हटा देता है। निवर्तकम शास्त्रम, शास्त्र जो है वो निवर्तक होता है, हटाने वाला होता है। किसको हटाया इसने? मृजेर वृद्धि ने। मृज को हटा दिया ना अकिंगत प्रत्यय में। मृज सामान्य रूप से उपदेश था तो मृज को हटा दिया, मार्ज साधु होता है। कि मृज साधु नहीं होता, मृज को हटा दिया। मृज प्राप्त था सहज जो उसका प्रयोग प्राप्त था ना मृज का, उसको हटा दिया, मार्ज साधु होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये परेतु कहकर नागेश ने कुछ लिखा है, उत्पन्ना नाम एव निवृत्तिर लुगादीना इव इति भावा। जैसे लुक क्या करता है, उत्पन्न की निवृत्ति करता है ना, प्रत्यस लुक श्लोलपा। उत्पन्ना नाम अनेन निवृत्ति लुगादीना इव इति भावा एतदासेम अजानना आह। परेतु क्या वा शब्द से असमर्थितत्वादाह परेतु, इसमें जो है उक्तम वा में वा का क्या समर्थन नहीं मिल रहा। तो परेतु शास्त्रेति निवृत्तौ अन्वेति, शास्त्रौ शास्त्रे जो है ना निवृत्ति में अन्वित कर रहे हैं। उत्पन्ना नाम अनेन निवृत्ति लुगादि नाइव, उत्पन्नों का इसके द्वारा निवृत्ति की जाती है, लुगादि ना इव लुगादि की तरह। एतद आशयम अजाना ना आह निर्वृत्तिर न सिद्ध्यति, इस आशय को न जानने वाला। ये निवृत्ति निवृत्ति ये पाठ में अंतर है, दिक्कत ये हो रही है। देखिए 2 नंबर टिप्पणी, जय पुस्तके निवृत्तिर न सिद्ध्यति तेन अनुमीयते निर्वृत्त प्रतिपत्तो इति वार्तिके निवृत्तिर्न सिद्धिति, ऐसा पाठ होना चाहिए। कई जगह निर्वृत्ति निवृत्ति, इनमें 2 नंबर टिप्पणी से क्या लग रहा है, निवृत्तिर्न सिद्ध्यति ये पाठ है, तेन अनुमीयते पाठ तो वास्तव में यहाँ तो निवृत्तिर्न सिद्ध्यति है, तेन अनुमीयते निर्वृत्त प्रतिपत्तो इस वार्तिक में भी निवृत्तिर्न सिद्ध्यति भाष्य पाठो अनेन दृष्टा, वहाँ पर भी निर्वृत्तिर्न सिद्ध्यति ना होकर के निवृत्तिर्न सिद्ध्यति भाष्य पाठ होना चाहिए, ऐसे बता रहे हैं। पीछे जो निर्वृत्तिर्न सिद्ध्यति है ना, वो निवृत्तिर्न सिद्ध्यति निर्वृत्त प्रतिपत्तो निवृत्तिर्न सिद्ध्यति सर्वे सर्वत्र प्राप्नुवन्ति किन तरी उच्चते निर्वृत्तिर्न सिद्ध्यति वृत्तिर्न सिद्ध्यति किन साधियो। फिर सब जगह निवृत्ति निवृत्ति चलेगा। यदि एक जगह निवृत्ति कर दिया ना शुरू में, तो यह पूरे अनुच्छेद में पूरे प्रकरण में निवृत्ति निवृत्ति चलेगा फिर। हैं? मेरी बात समझ में आई आप लोगों के? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 2 नंबर टिप्पणी में निवृत्तिर्न सिद्ध्यति ऐसा पाठ समर्थन किया जय पुस्तक से, तेन अनुमीयते निर्वृत्त प्रतिपत्तो इति वार्तिके, उससे अनुमान होता है कि जो निर्वृत्त प्रतिपत्तो ये वार्तिक है निवृत्तिर्न सिद्ध्यति इति भाष्य पाठो अनेन दृष्टा, निवृत्तिर्न सिद्ध्यति ये भाष्य पाठ इसके द्वारा देखा गया। तो एतद आशयम अजानन आह निर्वृत्तिर्न सिद्ध्यति तद अभ्युपेत्य समाधत्ते उक्तम वा, उसको स्वीकार करके समाधान दे रहे हैं। भुक्तवतो भोजन फल तृप्तेर जातत्वात्, भुक्तवान जो व्यक्ति होता है भोजन फल की तृप्ति, भोजन फल तृप्ति उत्पन्न होने से निषेधस्य वैयर्थेपि, निषेध तो व्यर्थ हो गया। शास्त्रे वृद्धिरादय सूत्र भाष्योक्त शास्त्र प्रामाण्यात्, वृद्धिरादेश सूत्र भाष्योक्त शास्त्र प्रामाण्य से लुगादिना ऊ छुट रहा है, लुगादिना एव जात निवृत्ति इति वा शब्देन सूचितम इत्याहु, जात की निवृत्ति वा शब्द से सूचित। ये तो वा के ऊपर इन्होंने सारी बात लिख दी नागेश ने। उक्तम वा में वा का क्या मतलब, उक्तम च उक्तम वा, वा से क्या कहना चाह रहे हैं? जानाना कहाँ का रूप है गुरुजी? छानच का रूप है, ज्या धातु का, न जानता हुआ अजानाना है। इदम इदानीम किमर्थम स्यात् अनर्थकम एतत् स्यात् यो हि भुक्तवन्तं ब्रूयात् मा भुङ्क्ताः केन, एक न्याय है, यो हि भुक्तवन्तं ब्रूयात् मा भुङ्क्ताः इति न्यायेन, ऐसे बोलते हैं। एक न्याय है ये, जो खाए हुए को कहे कि मत खा, किंतेन कृतम स्यात्, एक न्याय है ये। तो ये सूत्र एक प्रकार से अनर्थक हो गया। उस न्याय की यहाँ संगति कैसे लगा रहे हैं कि पहले ही साधु है अकार सवर्ण दीर्घ सूत्र से, फिर ये साधु क्या बता रहा है उसका? नहीं नहीं ऐसे नहीं। निर्वृत्त प्रतिपत्ति पक्ष में प्रतिपादन पक्ष लेकर के चल रहे हैं ना। प्रतिपादन अनेन निवृत्तानाम अनेन निवृत्ति क्रियते अनेन प्रतिपत्ति क्रियते। अन्य सूत्र के द्वारा जब निर्वृत्त हो जाते हैं, निष्पन्न हो जाते हैं, तो ये सूत्र जो है, ये सूत्र उसकी प्रतिपत्ति कर रहा है। उसकी प्रतिपत्ति का साधुत्व प्रतिपत्ति कर रहा है। प्रतिपत्ति मानी साधुत्व प्रतिपत्ति। प्रतिपत्ति का सीधा अर्थ कीजिए साधुत्व प्रतिपत्ति। ये प्रतिपादक है तो अनेन निवृत्तानाम अनेन प्रतिपत्ति साधुत्व प्रतिपत्ति क्रियते, मानी अंतरतम जो है वो साधु है और अन्य साधु नहीं है, ऐसा सूत्र का अर्थ बनेगा। अंतरतम जो है साधु है, अन्य साधु नहीं है। निर्वृत्त प्रतिपत्तो निर्वृत्ति निर्वृत्त प्रतिपत्तो निर्वृत्तिर्न सिद्ध्यति सर्वे सर्वत्र प्राप्नुवन्ति। निवृत्ति पर सब जगह निवृत्ति रहेगा। किंतरी उच्यते निवृत्तिर्न सिद्ध्यति न साधियो निवृत्ति सिद्धा भवति न ब्रूमा निवृत्तिर्न सिद्ध्यति। हम ये नहीं बोल रहे कि निवृत्ति नहीं होगी, किंतरी इष्टा व्यवस्था न प्रकल्पित। पीछे भी इष्टा व्यवस्था आई ना, क्वचित वैरूप्यम तत्र दोषा स्यात् विषम विषम अभी जो इष्टा व्यवस्था न प्रकल्पित तद्यथा तप्ते भ्राष्ट्रे। ये बात कह दी। न सर्वे सर्वत्र इष्यन्ते, अकार सवर्ण दीर्घ लक्षण से जब सब दीर्घ हो गए तो तेषाम साधुत्वम विज्ञातम, तब उनका साधुत्व जाना गया। न च अनेन तेषाम असाधुत्वम शक्यम प्रतिपादयितुम। अब ये सूत्र उनका असाधुत्व प्रतिपादन नहीं कर सकता, इष्ट व्यवस्था नहीं बनेगी। न सर्वे सर्वत्र इष्यन्ते, अकार सवर्ण दीर्घ ये लक्षण जब सारे दीर्घ कर दिए तो तेषाम साधुत्वम विज्ञातम, तो उनका साधुत्व जान लिया और ये उनका साधुत्व कर नहीं सकेगा। इदमिदानीम किमर्थम स्यात्, तो ये शास्त्र प्रामाण्यात् उभयोर साधुत्व इदम व्यर्थम। जब शास्त्र प्रामाण्य से दोनों प्रयोगों का, इष्ट और अनिष्ट दोनों प्रयोगों का साधुत्व हो जाएगा तो ये किस लिए, ये क्या करेगा? अनर्थकम च अनर्थकम एतत् स्यात्। ये सूत्र कार्य हो ही गया, फिर ये क्या करवाएगा? तो एक प्रकार से अनर्थक ही हो जाएगा। उक्तम वाक्यम उक्तम सिद्धम तो षष्ठी अधिकारे वचनात्, जहाँ षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी तत्र वर्तमानो एवं योगो वक्ष्यमाण प्रकारेण व्याख्या स्थाने तस्य प्रसंगे विहिता नाम अंतरतमा एव। मतलब षष्ठी अधिकारे हम योगो कर्तव्य स्थाने अंतरतमा षष्ठी निर्दिष्ट, ऐसा सूत्र बनाना चाहिए। इको गुण वृद्धि पर ये बात कही तो इसी तरह से यत्र षष्ठी तत्र इदम उपतिष्ठते, जहाँ षष्ठी है वहाँ ये लगेगा। तेन एक वाक्यता अनेन सूत्रेण विधि वाक्यानाम इति विधान काले अंतरतम आदेशो विधीयते। प्रदीप की पंक्ति एक वाक्यता अनेन सूत्रेण, इस सूत्र के द्वारा विधि वाक्यों की अनेन एक वाक्यता अनेन, इसके साथ एक वाक्यता हो जाएगी विधि वाक्यों की। इस सूत्र के साथ विधि वाक्य है, जैसे इको एणची असार धातु का अर्धातु कयो, उसकी इस सूत्र के साथ स्थानेन्तरतमा के साथ एक वाक्यता होगी। विधान काल में ही अंतरतम आदेश हो जाते हैं, विधान काल में अंतरतम आदेश हो जाते हैं। ये तीसरा पक्ष आ गया। जैसे शुरू में बात कही थी ना कि पूर्व पक्ष, दो पक्ष हैं, वाक्य भेद और वाक्य भेद अभेदाभ्याम पक्ष द्वय भेदा इति बोध्यम। अत्र तृतीय सिद्धांतो भविष्यति। 418 पृष्ठ पर उद्योत में जो पहली पंक्ति लिखी है ये वाक्य भेद अभेदाभ्याम, वाक्य भेद और अभेद से दो पक्ष बन रहे हैं और तीसरा सिद्धांत होगा। वाक्य भेद अभेद कैसे देख रहे हो? वाक्य भेद और अभेद, वाक्य भेदा भेदाभ्याम पक्ष द्वय भेदा, वाक्य भेदा भेदाभ्याम पक्ष द्वय भेदा इति बोध्यम तृतीय सिद्धांत भविष्यति। उक्तम वा जो है 419 पेज पर ये तीसरा पक्ष है सिद्धांत रूप में, सिद्धम तो षष्ठ अधिकारी वचनात्। इससे पहले ये जो दो पक्ष बनाए वाक्य भेद और अभेद से, 5 नंबर टिप्पणी में दिया भी है वाक्य भेदा भेदाभ्याम ननु द्वितीय तृतीय और यत्र षष्ठी तत्रूपस्थानस्य तुल्यत्वेन कथम भेदो। अतः दूसरा और तीसरा, इसमें जहाँ षष्ठी है वहाँ ये सूत्र उपस्थित होता है। दूसरे पक्ष में भी यही बात है, तीसरे में भी ये बात है। भेद कैसे कर रहे हैं? द्वितीय तृतीय और मध्य, दूसरे और तीसरे के मध्य में तो एक ही बात रह जाती है, कैसे कह रहे हैं? एवं च भाष्यम उपलक्षणम इति भाव। वाक्य भेदा भेदाभ्याम पक्ष द्वय भेदा तत्र तृतीय सिद्धांतो भविष्यति। तो उक्तम वा ये तीसरा पक्ष सिद्धांत बता दिया है। अनेन निवृत्तानाम अनेन निवृत्ति, अनेन प्रतिपत्ति क्रियते, अनेन साधुत्व प्रतिपत्ति। प्रतिपत्ति का अर्थ है साधुत्व प्रतिपत्ति। अन्य से निष्पन्नों की साधुत्व प्रतिपत्ति कर रहा है। निवृत्त प्रतिपत्तो साधुत्व प्रतिपत्ति न सिद्ध्यति किंतरी उसते निवृत्तिर न सिद्धति। फिर ये निवृत्तिर न सिद्धति ये क्या कहा आपने? न साधियो निवृत्तिर सिद्धा भवती, क्या साधी निवृत्ति सिद्ध नहीं होती? होती है। न ब्रूमा निवृत्तिर न सिद्धति किंतरी, हम ये नहीं कह रहे निवृत्ति नहीं सिद्ध होती। तो क्या कह रहे हो? इष्टा व्यवस्था न प्रकल्पित, न सर्वे सर्वत्रिष्यन्ते, इष्ट व्यवस्था नहीं बनेगी। सब जगह इष्ट नहीं है, ये भी ठीक हो गया। इदम इदानीम किमर्थम स्यात्, ये सूत्र क्या किया फिर? माने स्थानेऽन्तरतम ने क्या किया? अनर्थकम च, ये सूत्र तो अनर्थक हो गया। इस पक्ष में, प्रतिपादक पक्ष में ये सूत्र अनर्थक हो गया। यहाँ तक पहुँच गए, ये एक प्रकार से अनर्थक, इस पक्ष में अनर्थक सिद्ध कर दिया इस सूत्र को। ये जो पक्ष है स्थानेऽन्तरतम सूत्र का, जो प्रतिपादक पक्ष है, इसमें तो ये इसका कुछ रोल ही नहीं रहेगा। अन्येन निवृत्तानाम अनेन प्रतिपत्ति क्रियते, प्रतिपत्ति क्या, बस केवल साधुत्व अनुमोदन कर देगा कि हाँ ये जो, हाँ जी आपने जो कार्य किया है वो ठीक है। जो भी शास्त्र में जो जो सूत्र कुछ करते जा रहे हैं ये कहता जाएगा हाँ जी आप ठीक कर रहे हो, मना तो कहीं करेगा नहीं। जो भी सूत्र कर रहे हैं ना, हाँ जी आप ठीक कर रहे हो, हाँ जी आप ठीक कर रहे हो, मना तो कर नहीं सकता है। जो कर ही दिया उसका क्या मना करेगा? ऐसा कुछ निकल रहेगा। तीसरे पक्ष में जब एक वाक्यता बन जाएगी, सिद्धम तो षष्ठ अधिकारे, वो जो सूत्र है, जैसे आप इको एंडची सूत्र है वहां पर लगाई के स्थान में अंतरतम यण होते हैं, अंतरतम और फिर आदेश के साथ समानाधिकरण हो जाएगा। वो तो आदेश पक्ष में, आदेश को ही मानकर चल रहे हैं ना, अंतरतम आदेश होते हैं जी। 21 स्थान में अंतरतम आदेश होते हैं और सार्धातु अर्धातु को 21 स्थान में अंतरतम गुण होता है, और चोणीति अजंत अंग को अंतरतम वृद्धि होती है। जहां जहां षष्ठी है वहां वहां उपस्थित होता जा रहा है। 21 स्थान में अंतरतम गुण होता है, 21 स्थान में अंतरतम वृद्धि होती है, मृज अंग के 21 स्थान में अंतरतम वृद्धि होती है, अच के स्थान में अंतरतम वृद्धि होती है, तदितेश चामादे, ये सब बनता जाएगा। तो उसमें क्या निकलेगा? इतरस्य अविधानम एव, दूसरा जो है ना अनंतरतम का विधान ही हो रहा है साथ में। अकासवर्ण दीर्घ है तो ये अर्थ होगा आका में षष्ठी है ना, मतलब षष्ठी बदल जाएगा, सवर्ण के कारण आका षष्ठी बदल जाएगा और सवर्ण भी षष्ठी बदल जाएगा। अक से उत्तर सवर्ण को और सवर्ण से पूर्व अक को पूर्व पर के स्थान में दीर्घ होता है, तो वहां विधान काल में ही इतर की निवृत्ति हो जाएगी। अंतरतम दीर्घ होता है, बाकी हट जाएगा, अनंतरतम हट जाएगा। एक वाक्यता अनेन सूत्रेण विधि वाक्यानाम विधान काले अंतरतम आदेशो विधीयते एवं से इतरस्य अविधानम इष्ट व्यवस्था सिद्धि। इतर जो है ना वो तो विधान ही नहीं हो रहा है, वहां पर जब सूत्र लग रहा है सार्धातु अर्धातु परे रहते इक्के स्थान में अंतरतम गुण होता है, और जो अनंतरतम है वो वहीं हट रहा है। ये इसका सार है, इसका चर्चा का। बीच वाला जो अनर्थकम च, ये तो इन्होंने मान ही लिया कि इस पक्ष में, प्रतिपादक पक्ष में ये सूत्र व्यर्थ हो रहा है, ये कुछ करेगा ही नहीं, इसका कोई रोल ही नहीं रहा। प्रतिपत्ति पक्ष में ये सूत्र अनर्थक होता जा रहा है। प्रत्यात्मवचनम च, उसका अर्थ इतना मात्र रख रहे हैं, स्थान में अंतरतम जो होता है वो साधु होता है। इसका इस समय प्रतिपादक पक्ष में सूत्र का अर्थ स्थान में जो अंतरतम होता है वो साधु होता है, इसके अलावा सूत्र कुछ नहीं कह रहा। स्थान में अंतरतम साधु होता है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जो कर रहे हैं ना सूत्र ये सूत्र भिन्न वाक्यता में बनी है। ये बात जो वो जो था ना, ये लिखा था भेदा भेद, हाँ 418 पर जो ना वाक्य भेदा भेदाव्याम पक्ष द्वय भेदा, वाक्य भेद जो कर रहे हैं ना, अथ पर लिखा है ये लक्षणांतर शेष भूतमिति प्रश्न। ये लक्षणांतर का शेष भूत है ये सूत्र, तो भेदा भेद हो गए ना, माने तीन पक्ष हो गए। एक तो हो गया सबसे पहला पक्ष प्रदीप ने दिया है, किम स्वतंत्रमिदं लक्षणम आवश्यित लक्षणांतरेण अभिनिवृत्तानाम् अनेन्नियमा क्रियते पश्चात अनेन्नियमा क्रियते अथ लक्षणांतर शेष भूतम, लक्षणांतर का शेष भूत है। तो इसमें दिया है ये तीन पक्ष दिखाए ना, तो ये अथ लक्षणांतर शेष भूतम, तो वाक्य भेदा भेदा व्यम पक्ष द्वय भेदा तृतीय सिद्धांत विषय। वाक्य भेद माने इस सूत्र को उन सूत्रों से अलग करके काम करने वाला बनाते हैं, तब तो दूसरा पक्ष बनेगा। नहीं, पहला पक्ष तो हो गया किम स्वतंत्रिदम लक्षणम, एक बात। दूसरा पक्ष नहीं, वाक्य भेद इसमें है आहुषित लक्षणांतरेण अभिनिवृत्तानाम अनेन नियमा क्रियते, इसके ऊपर आप लिख सकते हो अनेन के ऊपर पश्चाद अनेन नियमा क्रियते। 418 पर जो अनेन नियमा क्रियते, जो अनेन शब्द है, इस अनेन के ऊपर आप पश्चाद अनेन ऐसा लिख सकते हो। हाँ, अभिनिवृत्ता नाम अनेन, अनेन माने पश्चाद अनेन, पीछे से इसके द्वारा नियम किया जाता है। ये वाक्य भेद हो गया, ये दूसरे पक्ष की बात होगी। अथ लक्षणांतर शेष भूतम ये तीसरा पक्ष है, और इसमें वाक्य अभेद रहेगा। दूसरे पक्ष में वाक्य भेद मान रहे हैं, तीसरे पक्ष में वाक्य अभेद मान रहे हैं। पहला पक्ष तो स्वतंत्र लक्षण बना लिया। ये फिर एक बार दोहरा देता हूँ, ये सूत्र निर्वर्तक है, तो अंतरतमान निर्वर्त्यंत एक स्वतंत्र लक्षण हो गया। जैसे इको एंड जी सूत्र है, सार धातुकार धातु गयो है, जैसे वो सूत्र है ना, वैसे ही ये एक स्वतंत्र सूत्र है, एक प्रकार से विधि सूत्र। स्वतंत्र सूत्र का मतलब एक विधि सूत्र है। दूसरे पक्ष में, प्रतिपादक पक्ष में ये अनेन अभिनिवृत्ता नाम अनेन पश्चात अनेन नियमा क्रियते, बाद में ये नियम कर रहा है। ये परिभाषा पक्ष बना दिया। गुरुजी, प्रतिपादक पक्ष को दो भाग में बांट रहे हैं। एक तो विधान काल संबंधित प्रतिपादक पक्ष और एक विधान काल से रहित प्रतिपादक, वाक्य भेद और अभेद। हाँ जी, और निवृत्त प्रतिपत्तो निवृत्ति, ये विधान काल से रहित जो प्रतिपादक पक्ष है उसमें दोष देते हैं। अनर्थकम कह कह करके जो दोष दिया है उसमें, और उक्तम च जो कह करके किए हैं वो फिर प्रतिपादक पक्ष को तो ही लिया है, बाकी वहाँ विधान काल को साथ साथ स्वीकार किया है। विधान काल में ही एक वाक्यता में ही इस सूत्र की, जैसे कि परिभाषा सूत्र काम अपना करते हैं विधि सूत्रों के साथ एक वाक्यतापन्न होकर के, जैसे कि दूसरे परिभाषा सूत्रों की विस्थिति है ना, वैसे ही इसकी भी स्थिति बता दी। जैसे हम इको गुण वृद्धि को देखते हैं, विधान काल में ही वो सार धातु कार धातु कयो में इका पद जा करके जुड़ जाता है, तो वहीं पर ये अंतरतमा जुड़ जाएगा। और ये प्रतिपादक पक्ष जो दूसरा दिया इसमें वाक्य भेद देख रहे हैं। पश्चात अनेन जो शब्द डाला है, मैंने जो पश्चात लिखा हुआ है, मैंने पहले यहाँ पर अनेन के ऊपर लिखा है पश्चात अनेन नियमा क्रियते, बाद में ये सूत्र नियम कर रहा है 418 पर जो ये अनेन है ना, गुरुजी ये जी स्वतंत्र लक्षण कैसे मानते, थोड़ा ये नहीं पकड़ में आता। स्वतंत्र लक्षण तो एक प्रकार से विधि सूत्र बना दिया, तो परिभाषा थोड़ी बनाया। उस समय भी ये सही होगी तो रहता है उन सूत्रों का, नहीं तो कहाँ, ये तो एकदम विधि सूत्र बना दिया। किस स्थान में अंतरतम आदेश होते हैं, हाँ जैसे कोण थी ऐसा ही स्थानेऽन्तरतम। और प्रतिपादक परिभाषा मानते हुए फिर दोष दिया कि ये तो व्यर्थ ही हो जाएगा जब ये बाद में कुछ करेगा, तो विधान काल में ही कुछ को रख लेगा कुछ को हटा देगा, अंतरतम को विधान कर देगा अनंतरतम को हटा देगा, इतर व्यावृत्ति साथ साथ होती रहेगी। एक बार दूसरे सूत्र ने कर दिया तो फिर वो भुक्तवंतम मा भुक्ता, यही भुक्तवंतम ब्रूयात मा भुंक्था वाली बात आ जाएगी। अग्नि ने जला ही दिया तो फिर क्या करोगे हैं? फिर कहे कि मत जला, कैसे पहले ही जला दिया तो फिर कहें बाद में कि अग्नि मत जला, फिर कैसे रुकेगी। प्रत्यात्म वचनम च पहले 247 पृष्ठ पर भी ऐसी बात आई है, हैं? परिभाषा मान ली ना, आखिरी में परिभाषा मान ली, ये एक वाक्यतापन्न होकर के ये कार्य करेगा। परिभाषा में ही दो बात मान ली कि ये भिन्न वाक्यता के रूप में सहयोगी बनेगा या एक वाक्यता के रूप में सहयोगी बनेगा। तो भिन्न वाक्यता में तो व्यर्थ ही हो जाएगा जब उसने काम ही कर दिया, फिर ये कहता रहे कि अंतरतम होते हैं साधु होते हैं, ठीक है। प्रत्यात्म वचनम से प्रत्यात्म इति च वक्तव्यम किम प्रयोजनम यो यस्य अंतरतम स तस्य स्थाने यथा स्यात् अन्यस्य अंतरतमो अन्यस्य स्थाने माभूत्, पहले भी आ चुकी है ना ये बात तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम पर, यही वार्तिका है ना। प्रत्यात्म वचनम अशिष्यम स्वभाव सिद्धत्वात्, जो जिसका अंतरतम है वो उसके स्थान में होता है, अन्य का अंतरतम और अन्य के स्थान में ना हो। अन्य का वहां पर भी ऐसे ही कहा था ना, अन्य का तुल्यास्य प्रयत्न, अन्य के साथ सवर्ण संजक ना हो है? कई बात तो बिल्कुल सरल सरल होती है, उन पर भी विचार कर लिया है हम, माने ऐसी बात उठा करके उनके मन में और ज्यादा उलझन, एक बार तो उलझन पैदा करते हैं फिर वो निकलता है। क्यों जी, एक बार तो सही सही रहता है दिमाग, पर ऐसी बात कह देते हैं कि वो उलझ पुलझ हो जाता है आदमी देखने वाला। जो जिसका अंतरतम है वो उसके साथ ही सद वो हो, यो यस्य अंतरतम स तस्य स्थाने भवति, जब अंतरतम तो देख रहे हैं ई के साथ और किसी दूसरे के स्थान में कर दिया, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो एक बार तो वैसे उलझा देते हैं फिर जो है सुलझाते हैं प्रश्न उठा करके। यो यस्य अंतरतमः स तस्य स्थाने यथा स्यात् अन्यस्य अंतरतमो अन्यस्य स्थाने आहूत। प्रत्यात्मम शब्द कैसे बनता है? आत्मानम आत्मानम प्रतीति प्रत्यात्मम। स्थानी का अंतरतम होता है। प्रत्यात्वचनम अशिष्यम स्वभाव सिद्धत्वात्, प्रत्यात्वचनम अशिष्यम किं कारण स्वभाव सिद्धत्वात्, स्वभावतः एतत् सिद्धम। तद्यथा समाजेषु समासेषु समवायेषु आस्यताम् इत्युक्तेन च उच्यते, प्रत्यात्मं प्रत्यामं च आस्यते। आसते सभी लोग जो जिसका कुछ सादृश्य होता है ना, जैसे सारे ब्रह्मचारियों को हाँ भाई बैठ जाओ, तो जो जिसका मित्र है या जिसके साथ जिसकी थोड़ा गुणकर्म स्वभाव मिलते हैं, कोई कुश्ती करने वाला तो कुश्ती करने वाले के साथ बैठ जाएगा जा करके, कोई बातूनी है तो बातूनी के साथ बैठ जाएगा जा करके, कोई शास्त्र प्रेमी है तो शास्त्र प्रेमी के साथ बैठ जाएगा जा करके, कोई साधक है तो साधक के साथ बैठ जाएगा जा करके, हैं? ऐसे होता है ना, हैं? जो उद्यम करने वाले हैं वो उद्यम वाले को ढूंढ लेते हैं। कई लोग कहते हैं ये इसकी मित्रता किसके साथ है, ऐसे उसका अध्ययन करते हैं उसके स्वभाव का, इसके मित्रों को पकड़ो फिर इसकी पता चल जाएगा। यदि किसी का गुण कर्म स्वभाव पता ना चल रहे हो तो उसके मित्रों को पकड़ करके कि कैसे मित्रों के साथ ये बैठता उठता है पता चल जाएगा। तो ऐसे कह रहे हैं प्रत्यात्वचनम अशिष्यम स्वभाव सिद्धत्वात्। जैसे कोई बोले समाजेषु, ये तीन शब्द बोले, समाजेषु समासेषु का अर्थ है सहभोजेषु, समासेषु सहभोज में भी जो है ना भोजन करते हैं तो स्वभावतः ही वो पास में आकर के बैठ जाते हैं ना। आजकल तो बिल्कुल ही एकदम खड़े खड़े जैसे खाते हैं, तो वो जिनकी जिसके साथ मित्रता है वो परस्पर खड़े खड़े खाते रहते हैं, ले लिया और फिर खड़े खड़े खाते रहते हैं। समाजेषु समासेषु समवायेषु, किसी समुदाय में, समवाय का अर्थ है यहाँ पर जब इकट्ठे हो रहे हैं। कस्यामचित क्रियायाम मेलनम, जैसे पंचायत समवाय, जैसे कोई पंचायत में जाते हैं ना गांव के लोग तो उसमें सब अपने अपने उसमें बैठते हैं। समाज का अर्थ है उत्सव में जब समुदाय कोई इकट्ठा होता है, विवाह शादी में कोई उत्सव हो, समाज का अर्थ उत्सव है यहाँ पर, कोई उत्सव हो, नामकरण संस्कार हो रहा है, बहुत सारा बड़ा कार्यक्रम है तो सैकड़ों लोग आते हैं, तो उनमें जिसका जहाँ आंतर्य है वो वहाँ बैठ जाता है। अंतरतम वचनम च अशिष्यम, ये सूत्र भी बनाने की जरूरत नहीं है। योगश्चापि अशिष्य कुतः स्वभाव सिद्धत्वादेव, स्वभाव सिद्धत्वाद। जैसे कोई कहे समाजेषु समासेषु समवायेषु आस्यताम, तो कोई ऐसा नहीं है कि जो कमजोर है ना, नैव कृशा कृशई से आसते, कमजोर 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 के साथ बैठेंगे, ऐसा नहीं। और बलवान बलवान के साथ, और जो पीले पीले हैं शरीर से वो पीले 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 रंग के लोगों को पकड़ें, साथियों को पकड़ें, ऐसा नहीं। न पांडव पांडु भी येषाम् एव किंचित् अर्थकृतम आंतर्यम तैरेव सह आस्ते, कुछ अर्थकृत आंतर्य होता है उसके साथ बैठते हैं। यथा गाओ, जैसे गायें जो होती हैं, दिवसम चरितवत्यः दिन भर चर करके आती हैं। यो यस्याः प्रसवो भवति, जो उसका बच्चा होता है ना, तेन ससेरते, दिन भर चर करके आती है और जो उनका बच्चा होता है उसके साथ जा करके बैठती है। शेरते माने तिष्ठती, रात में जो बैठने को शेरते कह रहे हैं। गायें आकर के जुगाली करती, आराम से बैठी रहती हैं पूरी रात भर, तो उसको कह रहे हैं ये तेन स शेरते। यो यस्या प्रसव भवति तेन स शेरते, यानी ये तानी गोयुक्तानी। ये जो प्रत्यात्मम वचनम, ये षष्ठी समास ऐसा विग्रह करते हैं या क्या करते हैं? वचन ये तो के साथ कर्म द्वारा समास है, वचन के साथ जी। आत्मानम आत्मानम प्रति तो अविभाव हो गया, अविभाव विप्सार्थ में अविभाव हो गया जी। जैसे प्रतिदिनम आदि करते हैं जी। आत्मानम आत्मानम प्रति इति प्रत्यात्मम तस्य वचनम प्रत्यात्मम वचनम, तो ये विग्रह तो ऐसे करेंगे ना गुरु जी, प्रत्यात्मम वचनम ऐसा जी। और इसको फिर षष्ठी समास मानेंगे, अर्थात षष्ठी को अम आगम अम हो गया है आदेश ऐसे जी। प्रत्यात्मम वचनम जी। तो दूसरा एक उदाहरण दे रहे हैं, यानी एतानि गोयुक्तानि संघुष्टकानि भवन्ति। गोयुक्त माने जो गाड़ी में जुड़ते हैं ना, यानी एतानि गोयुक्तानि संघुष्टकानि भवन्ति तानि अन्योन्यम अपश्यन्ति शब्दम कुर्वन्ति। युक्त का मतलब है युग्म, संघुष्ट शब्द तत्तद युग वहनादिना अत्यंत परिचित वाची। नागेश ने अर्थ दिया इनके 421 पृष्ठ पर देख लीजिए। युक्तक शब्दो युग्म वाची, यानी एतानी गोयुक्त कानी। गोयुक्त कानी का अर्थ है गोयुग्मानी। ये जो बैलों के जोड़े होते हैं ना, कई जोड़े हैं बैलों के, हल में गाड़ी में साथ साथ चलते हैं, तो फिर वो कह रहे हैं अन्योन्यम संघुष्ट कानी। संघुष्टक शब्द का अर्थ है तत्तद युग वहन आदि ना, उस जुए में जुड़ने से अत्यंत परिचित हो गए हैं। तो वो अन्योन्यम अपश्यंती, जब वो एक बैल को इधर ले गए तो रंभाने लगते हैं, बहुत जोर से शब्द करने लगते हैं। हमने एक बार प्रयोग किया, एक गाय को जैसे निकाल दिया समूह में से, तो 10 मिनट तक रंभाती रहेंगी, 10 मिनट क्या बस रंभाती ही रहेंगी, रुकती नहीं। जैसे एक गाय बंधी हुई हैं, उसमें से एक गाय को ले गए, तो उस तरह की स्थिति बता रहे हैं। यदि उनके सामने ना निकालें, जैसे भीतर बंधी हुई हैं गायें, उसको दिखाएं नहीं और उसके चुपके से बाहर निकाल दी, फिर बिल्कुल भी शब्द नहीं करती। फिर उनके मन में नहीं आता कि वो थी, वो कहाँ चली गई। उनके सामने से यदि ले जाते हैं, उनको इतनी बुद्धि नहीं है होती है कि वो गाय कहाँ गई, दिख नहीं रही। आदमी जो है जैसे कर लेता है, वर्तमान में जीते हैं। तो अन्योन्यम अपश्यंती, एक दूसरे को नपुंसकलिंग में है ना, अपश्यंती इसलिए प्रयोग किया, एक दूसरे को न देखते हुए शब्दम कुर्वन्ति, शब्द करते हैं ना। चारुदेव जी ने लिखा है कि ये क्री धातु का ऐसे प्रयोग नहीं करना चाहिए ना, जैसे कोई से भोजनम करोती ऐसे करते रहते हैं ना। हम तो हमको महाभाष्य पढ़ाते थे स्वामी वेदांत जी गुरुकुल जज्जर में, तो फिर मैंने एक दिन ऐसे चर्चा कर दी कभी कि पंडित चारुदेव जी ने ऐसे लिखा है कि वो अनुवाद कला में कि उसी धातु का प्रयोग करना चाहिए, करोती को अलग करके जोड़ करके प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो फिर वो कहने लगे भाष्यकार तो खूब प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ है ना, शब्दम करोति शब्दम कुर्वन्ति, यानी एतानि गोयुक्तानि संघुष्टकानि भवन्ति तानि एतानि अन्योन्यम अपश्यन्ति शब्दम कुर्वन्ति। शब्दायन्ते ऐसा नहीं कहा, शब्दम कुर्वन्ति कह दिया। एवं तावत चेतनावत्सु, अब जो है ये तो एवं तावत चेतनावत्सु, ये चेतनावान जो थे उनकी कहानी हुई, अब अचेतनावानों की भी कहानी सुन लो। लोष्टा क्षिप्तो, किसी मिट्टी के ढेले को बाहुवेगम गत्वा, फेंका हमने यहां से, बाहु वेगम यथास्या तथा गत्वा, बाहु के वेग के अनुसार जाकर, कर क्रिया विशेषण है। न तिर्यक गच्छति न ऊर्ध्वम आरोहति, ना तो तिर्यक जाता है न ऊपर को जाता चला जाता है। पृथ्वी विकारः पृथ्वीमेव गच्छति आंतर्यता, पृथ्वी का विकार है, पृथ्वी की तरफ ही आ जाता है आंतर्य से। ये एक मोटा उदाहरण दे रहे हैं या बिल्कुल मोटा उदाहरण है, ये स्थूल उदाहरण है? जी, कई लोग इसको कहेंगे कि न्यूटन से पहले ही भाष्यकार ने जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम को जान रखा था, हैं? मतलब पृथ्वी का विकार है ये, मिट्टी का ढेला। तो जब हम बाहुवेग से ऊपर को फेंका न तिर्यक गच्छति, अभी ऐसे चलता ही चला जाए, न ऊपर को जाता है। पृथ्वी विकार है, पृथ्वी में आगच्छति आंतर्यता, पृथ्वी का विकार है, पृथ्वी में आगच्छति आंतर्यता। आंतर्य से उसका आंतर्य, उस मिट्टी के ढेले का आंतर्य है पृथ्वी की तरफ। अब ये आगे एक और उदाहरण दे रहे हैं, यदि मैं पानी को ऊपर उठा करके ऊपर फेंकूं तो पृथ्वी में आ जाएगा पानी भी। हाँ, पर ये पानी, पर वो भी हैं? ये यूं कह रहे हैं रिश्ता रिश्ता जल में ही चला जाएगा, हैं? हाँ, फिर वो पृथ्वी जल आदि को इकट्ठा एक ही मान लेते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु पांच भूतों को पृथ्वी में ही सारे, छांदोग्योपनिषद में कहा ना, सारे भूत पृथ्वी में समाहित हैं, पृथ्वी में सारे भूतों का सार आया हुआ है। शुरू वाले ही बिल्कुल अनुच्छेद में छांदोग्योपनिषद में ये कहा कि सारे भूत पृथ्वी में समाहित हैं। तो अगला एक उदाहरण और देखिए, पृथ्वी विकार पृथ्वी में गच्छति आंतर्यता एता आंतरिक्षा सूक्ष्मा आपा तासाम विकारो धूमा। कैसे अंतरिक्ष में होने वाले जो सूक्ष्म जल है ना, उनका विकार क्या है? धूम का मतलब यहाँ पर एक विशेष उनकी स्थिति बता रहे हैं। अंतरिक्ष में होने वाले जो जल हैं उनका सूक्ष्म विकार धूम है। धूम का मतलब वाष्प। स धूमा आकाशे निवाते नैव तिर्यक् गच्छति न अर्वाग अवरोहति अब विकारो अपैव गच्छति आंतर्यता। वो जो धूम है आकाश में, निवात प्रदेश में, क्या है ये? निवात प्रदेश। निवात प्रदेश माने वायु रहित आकाश में नैव तिर्यक गच्छति न अर्वाग अवरोहति, न तो तिर्यक टेढ़ा मेढ़ा जाता है, न इस तरफ आता है। अब विकारो अपैव गच्छति आंतर्यता। जल का विकार है अंतरिक्षे सूक्ष्म समुद्रो अस्ति तद विकार सर्वा अपा, सभी जल उसी के विकार मान लिए। काष्ठादि स्थानाम अपि अपाम अग्नि संयोगा धूमो विकार सूर्य विकारो अर्चि सूर्यमेव गच्छति। तीन उदाहरण दिए इन्होंने अचेतनों के। एक तो उदाहरण दिया लोष्ट वाला, एक दिया जल वाला, और एक दिया इसका अग्नि का विकार जो होता है ना, जब हम अग्नि जलाते हैं। तो बीच वाले को एक बार फिर देखते हैं। या एता अंतरिक्षः अंतरिक्षे भवा अंतरिक्षः, तत्र भवार्थ में प्रत्यय हो रहा है। सूक्ष्म आप बहुवचन में होता है आप शब्द का प्रयोग। तासाम स्त्रीलिंग होता है। तासाम विकारो धूमा, उसका विकार है धूम। धूम मानी वाष्प। जब हम वो करते हैं ना, पानी को गर्म करते हैं जैसे, या सूर्य की गर्मी में जब वो पूरा प्रचंड वो होता है ना, सूर्य की गर्मी पड़ती है ना समुद्र में, तो बहुत सारा वाष्प होकर के ऊपर उठ जाता है। वाष्प होकर के ऊपर, अंतरिक्ष से आया है और अंतरिक्ष में जा रहा है वापस। जैसे वर्षा में अंतरिक्ष से हम नीचे पानी आता है ना, तो वही पानी मान लीजिए उसको अग्नि संयोग करें तो क्या होगा? वाष्प बन करके वापस अंतरिक्ष में चला जाता है। पृथ्वी, ये पृथ्वी पर जो जल है ना, इसका विकार भी अंतरिक्ष समुद्र बता दिया इन्होंने एक प्रकार से। अंतरिक्ष से सूक्ष्म समुद्रो अस्ति, ऐसे प्रदीप ने भी लिखा है। अंतरिक्ष में सूक्ष्म समुद्र है, तद विकारा सर्वापा, और उसके विकार सब जल हैं। काष्ठादि स्थानाम अपाम, और काष्ठादि में जो जल होता है ना, सारी जो लकड़ी वगैरह जो वनस्पति इसमें जल है ना, उसको भी अग्नि संयोग करेंगे तो धुआं निकलेगा ना, वो जल का ही विकार है धुआं। तो वो ऊपर जाता है। और फिर निदाग की बात कहीं उद्योग में दिया है, अंतरिक्षे भवा अंतरिक्षा, देखिए अंतरिक्षे भवा अंतरिक्षा। फिर लिखते हैं अतएव निदाघे निशि निरावरणे, जैसे गर्मी के समय रात में कोई खुला प्रदेश हो तो सोते हुओं को शीत अनुभव होता है। होता है गर्मी में रात में निरावरण प्रदेश में शयानानाम शैत्योपलब्धि। तस्सैव च रवि किरण संपर्केण मेघ रूपतया वायु योगाद वृष्टि, उसी को वो जो जल है रवि किरण संपर्क से मेघ रूप धारण कर लेता है और वायु योग से वृष्टि, वायु के साथ जब वो संपृक्त होता है। आंतरिक्षाणाम अपाम परंपराया धूम विकार है, आंतरिक्ष जो जल है उनका परंपरा से धूम विकार है। धूम मानी वाष्प। न तिर्यक गच्छति न अर्वाग अवरोहति, अब विकारो अपैव गच्छति आंतर्य तथा ज्योतिषो विकारो अर्ची। ज्योतिष का विकार क्या है? अर्ची मानी? मीमांसक जी ने अग्नि की ज्वाला लिया है, ज्वाला सूर्य विकार अर्ची। अच्छा ज्वाला, ज्योतिषो विकारो अर्ची। आकाश देश निवाते, आकाश देश निवात प्रदेश में अच्छी तरह से जलाए ना, नैव तिर्यक गच्छति ना अर्वाग अवरोहति, नीचे को भी नहीं जाता। अर्वाग का अर्थ होता है नीचे, वाष्प ऊपर को जाता है और ये वाला भी नीचे को जाता है, जो नीचे को नहीं जाता है। अग्नि जलाते हैं तो ज्योति का विकार है, ज्योतिरेव गच्छति आंतर्यता, सूर्य ज्योति की तरफ ही जाता है वो। ठीक है, सूर्य की तरफ ही जाता है वो, सूर्य का विकार है। ज्योतिषो विकारो अर्ची, आकाश देशे निवाते सुप्रज्वलितम, नैव तिर्यक गच्छति, और न अर्वाग अवरोहति, नीचे को भी नहीं उतरता। ज्योतिषो विकारो ज्योतिरेव गच्छति आंतर्यता। व्यंजन स्वर व्यतिक्रमे च तत्काल प्रसंग, व्यंजन व्यतिक्रमे स्वर व्यतिक्रमे च तत्कालता प्राप्त होती। व्यंजन के व्यतिक्रम में और स्वर के व्यतिक्रम में तत्कालता प्राप्त होती है। तत्कालता माने इष्टम है, जैसे यज के य को ई हुआ है ना, तो बोले जैसे ये अर्धमात्रिक है, ई भी अर्धमात्रिक पाएगा, स्थानेऽन्तरतम सूत्र बना रखा है। और उत्तम में भी इसी तरह वप को ऊ हुआ है, आंतरित तो अर्धमात्रिका, व्यंजन से अर्धमात्रिका एक प्राप्नोति। व्यतिक्रम का अर्थ है स्थानित्वेन निवृत्ति, अर्धमात्रिक पाएगा। नैव लोके नैव वेदे अर्धमात्रिका इगस्ति कस्तरहि मात्रिका यो अस्ति सो भविष्यति। पहले भी ऐसी भाषाई व्यंजन के विषय में आई थी। ना लोक में ना वेद में अर्धमात्रिक इक नहीं है, है? कौन है? मात्रिक है, जो है वो हो जाएगा। स्वर व्यतिक्रम का उदाहरण दे रहे हैं, दध्यत्र मध्वर्त कुमारियत्र ब्रह्मबंधो अर्थम आंतर्यता मात्रिका से द्विमात्रिका से इको मात्रिको द्विमात्रिको यण प्राप्त होती। आंतर्य से एक मात्रिक या द्विमात्रिक इक को मात्रिक या द्विमात्रिक यण पाएगा। ब्रह्मबंधु अर्थम कुमारी अर्थम में द्विमात्रिक यण पाएगा, दध्यत्र में एक मात्रिक यण पाएगा। नैव लोके नैव वेदे मात्रिको द्विमात्रिको वा यण अस्ति कस्तरी अर्धमात्रिका यो अस्ति स भविष्यति, ऐसे बता दिया है। अक्षु च अनेक वर्णादेशेषु, अक्षु च अनेक वर्णादेशेषु तत्कालता प्राप्नोति। अनेक वर्णादेश वाले जो अच हैं उनमें भी तत्कालता प्राप्त होती है। अक्षु च अनेक वर्णादेशेषु तत्कालता प्राप्नोति। इदमिस है, जैसे आंतर्य तो अर्ध तृतीय मात्रिका से इदमो अर्ध तृतीय मात्रिकम इवर्णम प्राप्नोति। इदम शब्द के स्थान में ईश आदेश कर रहे हैं। आंतर्य से इदम में ढाई मात्रा है। देख रहे हैं इदम में ढाई मात्रा, जो इदम है उसमें ढाई मात्रा है ना। तो अर्थ भी ऐसे देख रहे हैं कि इदम को जब वो कर देते ना विभक्ति के पर रहते, जैसे मान लीजिए तस् विभक्ति लाए तो तेदादी नामा कर दिया, अतोगुणे पर रूप हो गया। अब इस स्थिति में देख रहे हैं ढाई मात्रा, ये अब ढाई होगी ना, ढाई होगी। इदम को ढाई मात्रा को ढाई मात्रिक पाएगा। नैस दोषा भाव्य मानेन सवर्णानाम ग्रहणम न इत्येव न भविष्यति। एक नियम है व्याकरण का, अपना एक नियम है कि जो भाव्यमान होते हैं, विधीयमान जो होते हैं, जो आने वाले होते हैं, किसी एक के स्थान में दूसरे जब आने वाले होते हैं वहां सवर्ण ग्राहकता नहीं होती। एक के स्थान में जब दूसरे आते हैं विधीयमान, वे सवर्ण ग्राहक नहीं होते हैं। ये बात समझ में आई। भाव्यमानेन सवर्णानाम ग्रहणम न भवति। नैव लोके ये परिहार नहीं कहा। यदा विशेष भी तत्वादत्वम इस भावेन बाध्यते न्यायः तदा त्रिमात्रा संभवात् स्यादेव। प्लुत अप्लुत प्रसंगे च प्लुतश्च विषयति उच्यते, अत्र तु प्लुतस्य प्राप्ति। भाव्यमानेन सवर्णानाम ग्रहणम न, ये जैसे जो भाव्यमान विधीयमान होता है, भाव्यमान शब्द का अर्थ होता है विधीयमान। विधीयमान के द्वारा जैसे इदम इस विधीयमान है ना, तो विधीयमान के द्वारा सवर्णों का ग्रहण नहीं होता, तो इसलिए नहीं होगा। गुण वृद्धि ऐज भावेषु च, गुण वृद्धि ऐज भावेषु च तत्कालता प्राप्नोति। गुण वृद्धि ऐज भाव में भी तत्कालता प्राप्त होगी। खट्वा इंद्रा देखिए, खट्वेंद्रा, खट्वा उद्गम 113 और 173 पृष्ठ पर आ चुका है। ये अनुच्छेद जो आगे आ रहा है ना, 113 और 173 पृष्ठ पर आ चुका है। गुण वृद्धि ऐज भावेशु से तत्कालता प्राप्त होती। खट्वा इंद्रा, खट्वेंद्रा, खट्वा उद्गम, खट्वोद्गम, खट्वा ईसा, खट्वेशा, खट्वा ऊढ़ा, खट्टोड़ा, खट्वा एलका, खट्वेलका, खट्वा उदना, खट्टोदना, खट्वा इतकाना, खट्वा इतकाना, खट्वा उपगावा, खट्वा उपगावा। आंतर्यता त्रिमात्र चतुर्मात्राणाम स्थानिनाम त्रिमात्र चतुर्मात्रा आदेशा प्राप्नुवन्ति। यहाँ पर संज्ञात्र गुण वृद्धि और भावनम, संज्ञा के द्वारा गुण वृद्धि का भावन है, कोई सीधा भावन होगा ना। ध्यान देने की बात है, भाव्यमानेन सवर्णानाम ग्रहणम न, संज्ञा के द्वारा जब गुण वृद्धि का भावना गुण वृद्धि लाई जाएगी तब तो वो एक अलग स्थिति हो जाती है ना। जैसे वृद्धि संज्ञा गुण संज्ञा के द्वारा हम किसी के स्थान में बिठाएंगे तब वो तो एक अलग स्थिति आ जाएगी। पर जैसे हम सीधा ई के स्थान में ये हो, ऐसी जब स्थिति होती है तो वो वाली स्थिति यहाँ पर भाव्यमानेन परिभाषा का विषय बनेगी। तो गुण वृद्धि एज भावेशु, गुण वृद्धि एज भावेशु तत्कालता प्राप्त होती। आंतर्यता त्रिमात्र चतुर्मात्राणाम स्थानिनाम त्रिमात्र चतुर्मात्रा आदेशा प्राप्त होती। नैष दोषा तपरे गुण वृद्धि, कोई दोष नहीं है, गुण वृद्धि तपर है, तपरे गुण वृद्धि। नम से तय परवेशमान स्वयं तपरा कहते हैं। तपर तो वो होता है जो तय परे है, जिससे वृद्धिरादेश में जो है, वृद्धिरादेश में गुण वृद्धि को तपर कैसे कर रहे हो? आत ऐच, ऐच को तपर कैसे कर रहे हो? अत एंग को तपर कैसे कर रहे हो? बोले तादव परस तपरा, नेता है तादव परस तपरा। यदि तादवी परस तपरा रिदोरप ये है, तादव परस तपरा है तो फिर सब जगह तादव परस तपरा होगा। रिदोरप में ये तय ऊ है ना, तो ये ऊ तपर हो जाएगा। दीर्घ ऊ से अप प्रत्यय चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। बोले नैस तकारा कस्ति दकारा, दकार है रिदोरप में, जो ये तय है ना, तय नहीं है, ये तो दय है, मूलतः ही दय है। तो बोले किम दकारे प्रयोजनम, आप बताओ कि तय में क्या प्रयोजन है? आप ये कहोगे असंदेह के लिए तय है, तो दय भी असंदेह के लिए हो सकता है। आप कहते हो मुख सुखार्थ तय है, तो दय भी मुख सुखार्थ हो सकता है। इसको बोलते हैं प्रतिबंधी। प्रतिबंधी माने उसके मुंह को बंद करने के लिए जो बात होती है। एज भावे कुर्वाते कुर्वाथे आंतर्य तो अर्ध तृतीय मात्रा टी संज्ञकस्य अर्ध तृतीय मात्रा एज प्राप्नोति नैव लोके न च वेदे अर्ध तृतीय मात्रा एज अस्ति। लोक वेद में अर्ध तृतीय एज नहीं होता है। गुण वृद्धि एज भावेशु में द्वंद्व है, गुण वृद्धि और एज भाव में। ओ